चलो यहाँ ध्यान दो, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का। देख लिए थे दोनों नंबर सारा क्वेश्चन करवा दिए थे तुम लोग को, ठीक है ना। सबसे पहले तुम लोग वीडियो को शेयर करो और लाइक कर दो, ठीक है। लाइक एक बार और शेयर हज़ार बार करो, ठीक है। तो तुम लोग को हम फिजिक्स का दो नंबरिया करवा दिए थे, बोले थे, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था पाँच नंबरिया तो बहुत पहले ही करवा दिए, कॉपी पर लिख कर उसको बता दिए हैं, ठीक है ना। सबका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो सब जरूर देखते रहना। तो फिजिक्स करवा दिए हैं, केमिस्ट्री करवा दिए हैं, आज जा रहे हैं बायोलॉजी का दो मार्क्स वाला क्वेश्चन कराने, जो 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो करवाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो सबका हम बहुत पहले ही करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो तुम लोग को बता देते हैं, तुम लोग जो है ना ये सब जो हम करवा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट वाला, ये सब जो है बीच बीच में देखते रहना है। सप्ताह में लगभग दो तीन बार, एक से दो बार जरूर देखना है इसको, जिससे तुम लोग को क्या हो जाए, याद हो जाए, क्या हो जाए, और टाइम बचे तो इसके अलावा भी देख लेना, लेकिन ये सब जरूर देखते रहना सप्ताह सप्ताह में। तुम लोग परीक्षा से पहले याद हो जाना चाहिए, सप्ताह में कम से कम दो बार बांध लो कि देखना ही है, ठीक है ना। कौन वाला, तो VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो हम बता रहे हैं, चाहे पाँच नंबरिया हो या दो नंबरिया हो, पाँच नंबरिया पहले बता दिए साइंस का, ठीक है, और दो नंबरिया वाला भी हिंदी का, संस्कृत का और फिजिक्स का बता दिए हैं, केमिस्ट्री का बता दिए हैं, आज बायोलॉजी के बताने वाले हैं, ठीक है ना। सबको देखना, ठीक है ना। सबका वीडियो का, सब वीडियो कैसे मिलेगा, तो मेरा फोटो पर क्लिक करना करना है, तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तुम लोग को जाना है प्लेलिस्ट के ऑप्शन में, वहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। वैसे जो जो इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑब्जेक्टिव जो जो हम पढ़ा दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्टिव वाला उसका लिंक दे देंगे, और मैथ का एक ही वीडियो में पूरा सूत्र खत्म कर लें उसका भी लिंक दे देंगे, ठीक है ना। तुम लोग जरूर देखो मेरा वीडियो, तुम लोग वीडियो में जाकर खोना, प्ले लिस्ट में जाकर खोना, A to Z वीडियो मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट इस पर पढ़ाए हुए हैं, कम्प्लीट पढ़ाए हुए हैं, चाहे हिंदी हो या साइंस हो या सोशल साइंस हो या तो संस्कृत और हिंदी में जो जो मेन मेन था वो सब बता दिए, हिंदी व्याकरण या संस्कृत व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाया गया है, ठीक है ना। 9, 10, 11, 12 सबको इस चैनल के बारे में बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं, तो लोग बायोलॉजी निकाल लो, BBD गेस पेपर से बता रहे हैं, लेकिन BBD गेस पेपर से हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो जो लिखा हुआ है इसमें हम उन्हें बता रहे हैं, अपना मन से बता रहे हैं जिस तरह तुम लोग को लिखना है, क्योंकि किताब में थोड़ा गलत भी लिखा रहता है और फालतू को भी लिखा रहता है, फालतू क्वेश्चन भी लिखा रहता है, आंसर लिखा रहता है, लेकिन हम क्वेश्चन तो इससे ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आंसर अपना मन से दे रहे हैं तो वही तुम लोग को लिख ले रहा है, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स का बताएं, केमिस्ट्री का जो हम बोले वो लिख रहा है, किताब में क्या है वो नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, किसका बायोलॉजी किसका, तुम लोग लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर करो जितना कर सकता है। चलो क्या है पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखें, इसका रासायनिक समीकरण ये दो मार्क्स में आएगा, ठीक है ना। क्या है प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका रासायनिक समीकरण लिखना है, बंदा तो किताब लिखना आता है, हाँ हराम की करेगा, उसको रसगुल्ला बना खाएगा, अचार बना खाएगा, हाँ जामर कहीं का पक्का लेल है, वह जाके घरा घराम जो है ना बक्सवा में रख देना बंद करके, और ये देखते रहना और सुबह सुबह उठना आरती दिखाना उसको, पूजा करना, ठीक है, बंद रहे एकदम। चलो तो क्या क्वेश्चन बोले थे पहला हम इम्पोर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका रासायनिक समीकरण लिखें, इसका रासायनिक समीकरण लिखें। तो प्रकाश संश्लेषण तो काफ़ी इजी है ना, बताए थे प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो बताए थे हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से CO2 गैस ग्रहण कर जड़ से जल को ग्रहण कर क्लोरोफिर युक्त पत्ती में प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करता है, इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। समय तुम लोग का आ गया, पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कैसे कहते हैं, तो लिख देगा, क्या लिखेगा, लिखेगा हरे पेड़ पौधे, हरे ही क्यों लेंगे, क्योंकि हरा पेड़ पौधा में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, पता है ना, और क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है, और क्लोरोफिल जिसके पास रहेगा वो अपना भोजन खुद बनाएगा, हम लोग के पास भी क्लोरोफिल होता तो धूप में जा खड़ा जाता, अपने पेट भर जाता ना, भर जाता, हम धूप में तुम लोग को पढ़ाते हैं, तुम लोग का भी पेट भर जाता, हमारा भी पेट भर जाता ना, भर जाता। तो बोलेगा प्रकाश संश्लेषण कैसे कहते हैं, क्या बोलना है, बोलना हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में वातावरण से CO2 गैस ग्रहण कर जल को ग्रहण कर क्लोरोफिल युक्त पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है,
इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब बोल रहा है इसका क्या लिखना है, इसका समीकरण लिखने, क्या बोल रहा है, इसका समीकरण लिखें, इसका समीकरण। तो समीकरण तुम लोग जानबे करता है, समीकरण क्या होता है तुम्हें पता है, समीकरण क्या करना है, तो यहाँ देना है क्या क्या लिया, वातावरण से CO2 गैस, वातावरण से CO2 गैस, जरिया के द्वारा क्या लिया था, पानी, क्या लिया था, जरिया के द्वारा पानी पिया था, और उसके बाद सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश में, इतना समझना कि सूर्य प्रकाश से हम डायरेक्ट इस पर पड़ना चाहिए, जरूरी ना है, ठीक है ना। जैसे कितना पौधा छाँव में भी रहता तभी बढ़ता है ना, तो छाँव में जैसे हम लोग को सूर्य प्रकाश से आ रहा है रोडवा पर आ रहा है ना, लेकिन हम लोग घर में भी रहते हैं तो उसका लाइट ना आ रहा है क्या, आ रहा लाइट, तो सूर्य प्रकाश की लाइट आ रहा है परिकिरण के द्वारा, तो जो छाया में पेड़ पौधा रहता है उसका उस पर उसके पास भी लाइट पहुँचता है परिकिरण के द्वारा पहुँचता है, जो क्या है दिखाई नहीं देता लेकिन पहुँच जाता था ना, वहाँ इंजोरा हो गया रे, इंजोरा कैसे हुआ, प्रकाश पहुँचने कारण नहीं हुआ, तो समझ आ गया तुम लोग को, तो इन्हें सुना कि छाँव में जो है उसको अति प्रकाश नहीं मिल रहा है, उसको भी प्रकाश मिल रहा है लेकिन उसको बहुत कम प्रकाश की आवश्यकता है, जैसे पान के पौधा होता है ना वो छाँव में होता है, तो सूर्य प्रकाश तो वातावरण से CO2 गैस, जड़ के द्वारा H2O, सूर्य प्रकाश और क्या, तो और क्लोरोफिल युक्त पत्ती में, क्लोरोफिल युक्त पत्ती में क्या बनाता है, तो बनाता है क्या ग्लूकोज, क्या बनाता है यानी भोजन बनाता है C6H12O6 और बनाता है क्या H2O, क्या बनाता है H2O यानी कुछ जल भी बनाता है, कभी कभी तुम लोग का H2O नहीं भी लिखा रहेगा, ठीक है ना, तो जल भी बनाता है, ठीक है ना, जल भी ये बनाता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं करता, वाष्पोत्सर्जन करता है ना, और हम लोग को देता है ऑक्सीजन गैस, क्या देता है, हम लोग को देता है ऑक्सीजन, CO2 पीता है ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस हम लोग को देता है, ऑक्सीजन गैस हम लोग को, तो यही तुम लोग को लिखना था समीकरण, क्या लिखना था, अब तुम लोग को ये लिख देगा बस हो गया, तुम लोग का क्वेश्चन बन गया, अगर इसको तुमको संतुलित करना, संतुलित भी कर सकता है, नहीं करेगा तो भी चलेगा, नहीं करेगा तो भी चलेगा, संतुलित करना है तो क्या करना है पता है, संतुलित करना है तो यहाँ छो लगा दो, यहाँ पर देख, यहाँ पर यहाँ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, तो जो दू गए यहाँ पर दे दो 12, आई तो बड़ा पहले से है ना, तो बड़ा है तो बड़ा काम कोई नहीं करना, यहाँ देना है 6, यहाँ देना है 6, हो गया संतुलित, क्या हो गया संतुलित, तो संतुलित करने पूछा जैसे इस तरह संतुलित कर देना, इस तरह संतुलित कर देना है, अगर नहीं बोलेगा इस तरह भी छोड़ देगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर मान लो पूछ दिया संतुलित करें, क्या पूछ दिया कि संतुलित करें, तब इस तरह संतुलित करना है, इसमें छोड़ देना है और दो पनिया है ना, तो एगो पनिया में बाहर देना है, एगो पनिया में छोड़ देना है, एगो में यहाँ पर छोड़ दे देना है और इसमें कुछ नहीं देना है क्योंकि पहले से बराबर है ना, समय तुम लोग को आ गया। अब तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन जो मिला हम लोग को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जो ऑक्सीजन निकला ठीक है ना, तो ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो ये पानी के टूटने से निकलता है, पानी के टूटने से निकलता है, समझ तुम लोग को आ गया, तो समझ आ गया अंदर, तो लिख देगा प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, और इसी से क्वेश्चन मेरा क्या बन गया, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस पूछेगा कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता पड़ता है, क्या हो गया, एक हो गया तुम्हारा क्या हो गया CO2 हो गया, एक तुम्हारा जल हो गया, एक तुम्हारा सूर्य के प्रकाश हो गया और एक क्लोरोफिल हो गया है, समय तुम लोग आया। चलो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बोले थे उसी तरह लिखना है, ठीक है ना, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, हाँ यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ उसी में प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके रासायनिक समीकरण लिखे हैं, यह है ना, और फिर नीचे क्या बोल रहा है, बोला प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखे, तो महत्व बोलेगा, इसमें महत्व नहीं बोला था, खाली समीकरण बोला था, समीकरण तक लिखे थे, लेकिन अब बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो जो बोले थे वो लिख देना है, अब बोल रहा है इसका महत्व लिखे, तो महत्व तुम लोग को नीचे देखो दिया गया है ना, दिया गया इसका महत्व क्या है, तो इसका महत्व क्या है, तो वातावरण से CO2 गैस लेता है, हम लोग को ऑक्सीजन देता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, तो महत्व अपने 2-3 लाइन लिख देगा, 2 नंबर यह है ना, तो क्या लिखना है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पर्यावरण शुद्ध किया जाता है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 गैस लेता है, हम लोग को ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है, ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है, तो यही सब महत्व के बारे में लिख देना है, ठीक है ना। चलो अगला, उत्सर्जन की परिभाषा दें, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखना है, क्या लिखना है, उत्सर्जन की परिभाषा लिखना है, तो तुम लोग जानवे करता है उत्सर्जन की परिभाषा नहीं आता है, हम जानते हैं कि हम लोग का शरीर में बहुत सारा क्रिया होता है, उसे बोलते हैं उपापचयी क्रिया, क्या बोलते हैं उपापचयी क्रिया, शोषण होता है, परिवहन होता है, पाचन होता है तो बहुत सारा क्रिया होता है, बहुत सारा, और उस क्रिया के फलस्वरूप हम लोग के शरीर में बहुत सारा हानिकारक पदार्थ ही बन जाता है, अनावश्यक पदार्थ भी बन जाता है, तो उसको शरीर से मार के भगाना है, शरीर में रहेगा तो हानि पहुंचाएगा, तो उसी को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उत्सर्जन, क्या कहलाता है, यानी हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। पूछेगा उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो बोलना है हमारे शरीर में
विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ का निर्माण होता है, अनेक हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ बन जाता है। इसी हानिकारक या अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। और जिस अंग को पूछेगा उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, तो उसी में जोर देना है क्या, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। समझ तुमने कहा या? पूछेगा उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ को बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। लास्ट में जोर देना है, समझ तुमने कहा या? समझ आया रे? तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, तो विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में अनेक हानिकारक एवं अनावश्यक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। समझ तुम क्या गया, उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं, तो जिस अंग के द्वारा, लास्ट में जोड़ रहे हैं, जो बोले थे उसके लास्ट में जोड़ रहे हैं, जिस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। अगर पूछेगा तब लिखना है, यहाँ ना पूछा गया। पूछेगा उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ को बाहर करते हैं उत्सर्जन करते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। समझ तुम लोग कहा गया। अब बोल रहा है उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो बताइए दिए, बताए थे ना, जिस पदार्थ को द्वारा उत्सर्जन के द्वारा अलग करते हैं बाहर करते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है, बता दिए ना। अगला देख अथवा में क्या लिखा हुआ, अथवा में लिखा हुआ उत्सर्जन क्या है, तो बताइए दिए उत्सर्जन क्या है, बता दिए ना। अब बोल रहा है मानव में इसके दो प्रमुख अंगों के नाम लिखें। अब नहीं देख कुछ अलग बोला है, नहीं बोला है अथवा में, यहाँ दोनों का आंसर बात तुम लोग को सेम दे दिया है, लेकिन यहाँ अलग है, मानव में दो प्रमुख अंग उत्सर्जी अंग के। तो हम लोग को पता है कि मानव शरीर में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो क्या है, किडनियाँ क्या है। हम लोग के शरीर में दो किडनी होता है, किडनी तुम लोग को लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तुम लोग को लिखा हुआ मिलेगा ब्रिक, क्या लिखा मिलेगा, ब्रिक लिखा हुआ मिलेगा, क्या मिलेगा, ब्रिक लिखा हुआ मिलेगा। तो एक ठो ब्रिक तुम लोग लिखना है, क्या लिखना है, बोल रहा है दो गो उत्सर्जी पदार्थ का नाम लिखो, तो एक ठो ब्रिक नाम लिखना अनिवार्य है, क्योंकि हम लोग का शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है वो ब्रिक यानी किडनी यानी गुर्दा, ब्रिक यानी किडनी यानी गुर्दा है। समझ तुम लोग कहा गया ना, क्योंकि ये रक्त को फिल्टर करता है, रक्त क्या करता है, यानी रक्त में जो अशुद्धि मिलल है, अशुद्धि जो मिला है रक्त को शुद्ध करता है फेफड़ा, लेकिन फिल्टर बोल रहा है, फिल्टर मतलब छानना, तो रक्त को फिल्टर करता है किडनियाँ, यानी जो उसमें अनावश्यक ऐसे चाह को छानते हैं ना, तो जो चपतिया को जो बेकार होता है क्या होता है बाहर आ जाता है, उसी प्रकार रक्त को फिल्टर करता है किडनी, क्या करता है यानी ब्रिक करता है। तो एक ठो किडनी लिख देना है, एक ठो फेफड़ा लिख देना है, समझ तो लोग आ गया ना, एक ठो किडनी लिखना है, एक ठो फेफड़ा, ऐसा यकृत भी क्या है, तो यकृत भी जो है हम लोग को क्या करता है, तो यहाँ पर यूरिया छानता है, यकृत में क्या छानता है, यूरिया छानता है, लेकिन दुजग ने बोला है, तो एक ठो किडनी एक ठो फेफड़ा, त्वचा भी क्या उत्सर्जी पदार्थ अंग है, पता है ना, पसीना बाहर निकलता है ना, लेकिन दुजग लिखना है तो किडनी और फेफड़ा। समझ तुम लोग आ गया, समझा तुम लोग, अब तुम लोग को पता है कि किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रोन कहा जाता है, और नेफ्रोन को तुम लोग को पिक्चर उसे बना के पचमढ़िया वाला दीर्घोत्तरीय प्रश्न में डाल दिए, उसका लिंक भी डाल देंगे, ऐसे तुम लोग को खोजना है तो मेरा फोटो को क्लिक करना है, प्ले लिस्ट के ऑप्शन में आना है, सब A to Z वीडियो मिल जाएगा, चाहे मैथ हो या कुछ भी वीडियो खोजना है, सब चैप्टर कंप्लीट है, जाके देखो, खाली सुहा सुहा मत करो, रजा से बाहर निकलो और शेयर करो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, श्वसन और दहन में दो अंतर लिखें, श्वसन और दहन में दो अंतर, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वसन और दहन में अंतर लिखना है, श्वसन और दहन में, देखो तुम लोग इसका PDF नहीं मांगना, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो लोग तुम लोग खुद लिखना है, क्योंकि किताब में कुछ दूसरा तरह लिखा हुआ है, हम बोलते हैं अपना भाषा में, और अपना भाषा में ही लिखेगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है ना, समझा गया, तो इसका तुम लोग खुद लिखना है, क्योंकि हम बार बार एक ही क्वेश्चन को दो तीन बार बोलते हैं, तो आराम से इसको बना लिख लेना है सब सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो श्वसन और दहन में दो अंतर लिखे, श्वसन और दहन में जो दो अंतर, तो श्वसन और दहन में अंतर लिखना है, तो कैसे बताया था तुम लोग को, जब भी अंतर लिखना हो तो लिखेंगे क्या श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर होता है, लेकिन यहाँ दूसरा अंतर बोल रहा है ना, एक तरफ लिखना है ऐसे बनाना है, एक तरफ लिखना है श्वसन, एक तरफ लिखना है दहन, और अंतर लिखना है, तो लिखना श्वसन क्या है, तो श्वसन जो है, श्वसन लिखना है क्या, श्वसन का परिभाषा लिख देना है, एक तरफ लिख देना है दहन का परिभाषा, यही दोनों पहला अंतर हो जाएगा, समझ तुम लोग क्या गया। तो श्वसन किसे कहते हैं, तुम लोग को पढ़ाए थे श्वसन किसे कहते हैं, ना पढ़ाए थे, वे सारी क्रियाएँ जिनके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना, उसे श्वसन कहा जाता है, बताए थे ना, वे सारी क्रियाएँ जिसके द्वारा
बहुत सारा क्रिया होता है, बतेवे किए थे कि पहले यहाँ ऑक्सीजन जाता है नाक के द्वारा, फिर फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन फिर जाता है कहाँ पर, रक्त में जाता है, रक्त से फिर ऑक्सीजन कहाँ जाता है, तो प्रत्येक कोशिका में आता है, प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज बैठा होता है, ग्लूकोज से क्या होता है, टूटता है, वहाँ पर बताए थे ना, तो लिखना वे सारी क्रियाएँ जिसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी विखंडन होता है, यानी अपघटन होता है, उससे शोषण कहा जाता है, ठीक है ना। और दहन किसे कहते हैं, दहन किसे कहते हैं, तो दहन में लिखना है क्या लिखना है, जब पदार्थ ऑक्सीजन और आग समझते हैं तुम लोग, के उपस्थिति में जलता है तो उसे दहन कहा जाता है। तो पहला अंतर हो गया, समझ आ गया ना। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन, तुम्हें पता है कि ऑक्सीजन जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और आग चाहिए, तो जब पदार्थ ऑक्सीजन एवं आग के उपस्थिति में जलता है तो उसे दहन कहा जाता है, समझ तुम लोग आ गया। दूसरा अंतर तुम लोग को क्या लिखना है, दूसरा अंतर तुम लोग को लिखना है कि श्वसन जो होता है ना, तो श्वसन के फलस्वरूप प्रकाश निकलता है, कि प्रकाश निकलता है गधा, हम श्वसन कर रहे हैं तो प्रकाश निकल रहा है, और हम आग फेंक रहा है पेट से, सर्व कोशिका में प्रत्येक कोशिका में क्या है, प्रत्येक कोशिका हम लोग को ग्लूकोज है, ग्लूकोज को बोलते कोशिका ईंधन बोलते हैं, और प्रत्येक कोशिका में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है ग्लूकोज का, तो क्या आग फेंक रहा है, यानी श्वसन के फलस्वरूप ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्पन्न नहीं होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्पन्न नहीं होता है, ऊष्मा थोड़ा मोड़ा निकलता है, जैसे फूकेंगे तो थोड़ा गर्म लगेगा ना, लेकिन इतना कम निकलता है कि उसको नहीं के बराबर बोल सकते हैं ना। और तुम लोग पता है कि ऑक्सीकरण जो होता है ये क्या, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा ऊष्मा बनता है, थोड़ा मोड़ा ऊष्मा, लेकिन नहीं के बराबर बोल सकते हैं ना। तो बोलना श्वसन के क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्पत्ति नहीं होता है, लेकिन दहन क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा एवं प्रकाश दोनों का उत्पत्ति होता है कि नहीं। अभी तुम लोग ठंडा समय जाता है, लहरा रहता है, ठंडा लहराता है ना, यानी जो मिलता है लहरा रहता है, तो क्या निकलता है, आग निकलता है और ऊष्मा निकलता है, तुम लोग आराम से दूर से करता है ना। तो हो गया अंतर, समय तुम लोग का आया। अगला अंतर क्या है, जाइलम और फ्लोएम, क्या पूछ रहा है, जाइलम और फ्लोएम, तो बोल रहा है यहाँ पर फ्लोएम और जाइलम लिख दिया है, क्या लिखा है, फ्लोएम और जाइलम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फ्लोएम और जाइलम, लेकिन हम तुम लोग को बोल रहे हैं जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखे, जाइलम एवं फ्लोएम में। तो पहला अंतर क्या होगा, तो पहला अंतर तुम लोग को वही होगा जो इसका परिभाषा है, क्या बताए थे, जो से जाइलम जो से जल। पहले किस तरह लिखना है, जाइलम एवं फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर होता है, ठीक है ना। उसके बाद इधर लिखना है जाइलम, इधर लिखना है फ्लोएम, तो जाइलम का लिख रहा है अंतर, तो जाइलम में जो लिखेंगे उसका उल्टा लिखेंगे फ्लोएम में, तो जाइलम में लिखना है कि जाइलम जो से जल। तो जाइलम जो है पेड़ पौधा में जल एवं खनिज लवण समझता है ना, पढ़िया में जो घुलर रहता है, पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम, इससे जो घुला हुआ उसको बोलते हैं लवण, क्या बोलते हैं, लवण, ठीक है ना। तो जाइलम जो है, जाइलम पेड़ पौधा में जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, लिख दिए जाइलम में, लिख दिए ना जाइलम में, नंबर एक देख के, जाइलम पेड़ पौधा में जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम में एक नंबर देख के, फ्लोएम पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनने वाले भोजन का परिवहन करता है, समझ तुमको आ गया, एक अंतर ही हो गया। दूसरा अंतर तुम लोग को लिखना है कि जाइलम जो है पनिया को किधर ले जाता है, तो जरिया से हमेशा उपला ले जाता है, तो हमेशा एक दिशा होता है, हमेशा क्या होता है, एक दिशा होता है, लेकिन अगर भोजन बनेगा पतैया में तो जो उपरा में तना है, निचुआ में जो जरिया है, सगलो ले जाएगा, जो इधर है सगलो ले जाएगा भोजन को, भोजन तो सब कुछ चाहिए ना, तो भोजन का परिवहन होता है दो दिशा, क्या होता है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा घर में बन गया क्या, तीन तल्ला मकान है, बीचा में एक मालवा पर बन गया क्या खरमा, तो जो उपरा में बैठा उसको भी खरमा चाहिए, अरे निचुआ मठर उसको भी खरमा चाहिए ना, तो दूसरी ना हो गया हुआ। तो लिखना है क्या, दूसरा अंतर लिखना है कि जाइलम में क्या लिखना है, जाइलम में लिखना है इसके द्वारा जल का परिवहन एक दिशिक होता है, और फ्लोएम में इसके द्वारा भोजन का परिवहन द्विदिशिक होता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर बता रहे हैं कि जाइलम जो होता है जल, अच्छा जल किसको चाहिए, तो जल किसी को भी चाहिए, मरल है तो उसको भी चाहिए, अरे पत्थर गाड़ी उड़ी भी नहीं देते, पनिया देते हैं ना, और सजीव भी लेता है जल लेता है ना, तो मरल का भी हम जल दे सकते हैं ना, इसलिए जाइलम क्या है, मृत उत्तक है, क्या है, तो लिखना है जाइलम मृत उत्तक से बना होता है, लेकिन भोजन कभी मरल का देते हैं कि जो मतलब पत्थर उत्थल है, तुम्हारा गाड़ी उड़ी है, उसके पास जाना करना, रोटियाँ खो खाएगा वो नहीं खाएगा, तो भोजन हमेशा चाहिए किसको, तो भोजन हमेशा चाहिए सजीव को, किसको चाहिए, सजीव को, तो लिखना है फ्लोएम सजीव उत्तक से बना होता है। तीसरा अंतर समझ गया ना, तीसरा अंतर में क्या बोले थे, जाइलम मृत उत्तक से बना होता है, फ्लोएम सजीव उत्तक से बना होता है, समझ आ गया। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ अंतर, क्या हुआ अंतर, समझ तुम लोग आ गया ना।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारा है, किनमन क्या है? किनमन, तो किनमन तुम लोग तो ऐसे बताए थे, ये तो हम केमिस्ट्री में भी बताए थे ना, बताए थे सूक्ष्म जीव के द्वारा, सूक्ष्म जीव के और सूक्ष्म जीव में क्या रहता था, तो ईस्ट बोले थे ना, तो बताए थे तुम लोग को क्या, तो बताए थे सूक्ष्म जीव के द्वारा, सूक्ष्म जीव के द्वारा जैव पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया, जैव पदार्थ का रासायनिक अभिक्रिया करके उसे अल्कोहल में बदलना, कौन अल्कोहल में, इथेनॉल में बदलना, बताए थे ना, किनमन कहलाता है। और यह प्रक्रिया ईस्ट में होता है, कहाँ होता है, यह प्रक्रिया ईस्ट में होता है, केमिस्ट्री में भी तुम लोग को काफ़ी अच्छा बताए थे ना। और किनमन प्रक्रिया के द्वारा ही क्या होता था, तो इथेनॉल का यानी अल्कोहल यानी दरुआ का निर्माण होता था, बताए थे ना, व्यापारिक विधि के द्वारा। और दो गो एंजाइम का जरूरत पड़ा था, एक तो एंजाइम था क्या, इन्वर्टेज, एक था जाइमेज। और चीनी के रस यानी चीनी के द्वारा, यानी गन्ना के रस यानी चीनी के द्वारा हम बनाते हैं क्या, तो बनाते हैं इथेनॉल, सब बताए किए कर ले ना, बताए थे। अगला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10, स्वपोषी तथा विषम पोषी में अंतर स्पष्ट करें। क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्वपोषी एवं विषम पोषी में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है ना। तो क्या लिखना है, देखें यहाँ पर स्वपोषी या विषम पोषी में अंतर लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है ना। तो अंतर यहाँ दो नंबर ही आ जा रहा, बड़ा थोड़ा लिखना है, तो पहले इसका परिभाषा भी हो जाएगा, अंतर क्या हो जाएगा, लिखना है स्वपोषी एवं विषम पोषी में निम्नलिखित अंतर होता है, ठीक है ना। फिर लिखना है स्वपोषी, ठीक है ना, तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बना ले उसे स्वपोषी कहा जाता है। विषम पोषी में लिखना है वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो उसे विषम पोषी कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद एक अंतर हो गया, दूसरा अंतर लिखना है कि स्वपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण करता है तब ना अपना भोजन खुद बना रहा है, और परपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं करता, ये लिखना है। फिर क्या लिखना है, फिर स्वपोषी में लिखना है स्वपोषी जीव के पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अरे प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, और विषम पोषी जीव के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो यही सब क्या लिखना है, अंतर क्या लिखना है, इसको भारी बात नहीं था, ठीक है ना। चलो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बाह्य शोषण तथा अबाह्य शोषण में अंतर लिखें, ठीक है ना। बाह्य शोषण मतलब ऑक्सीशोषण, और अबाह्य शोषण मतलब अनोक्सी शोषण, ये दोनों में अंतर लिखना है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें अबाह्य शोषण होता है, यानी कुछ जीव के नाम लिखना है। तो जो छोटा छोटा सूक्ष्म जीव जो होता है, ईस्ट में क्या होता है, अबाह्य क्या होता है, तो चलो समझते हैं पहले बाह्य शोषण और अबाह्य शोषण में अंतर, ठीक है ना। तो लिखना है बाह्य शोषण और अबाह्य शोषण में निम्नलिखित अंतर होता है, एक तरफ देना है ऐसे खींच के बाह्य शोषण, एक तरफ लिखना है अबाह्य शोषण, और यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देना है, और पहला अंतर से शुरू करना है। पहला अंतर इसका परिभाषा होगा, क्या होगा परिभाषा, क्या लिखना है वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे बाह्य शोषण कहा जाता है, समझ लो क्या, वैसा शोषण जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे बाह्य शोषण कहा जाता है। उसके बाद इधर अबाह्य में वैसा शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अबाह्य शोषण कहा जाता है, समझ लो क्या आ गया आया। फिर बाह्य शोषण में लिखना है कि बाह्य शोषण का संपूर्ण चरण दो चरणों में होता है, लेकिन अबाह्य शोषण में संपूर्ण चरण एक ही चरण में होता है, ठीक है ना। फिर अगला अंतर, बाह्य शोषण का पहला चरण कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण तरह से शोषण हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला चरण कोशिका द्रव में, बाह्य शोषण का पहला चरण कोशिका द्रव में होता है, और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, समझ लो क्या गया ना। लेकिन अबाह्य शोषण में संपूर्ण चरण कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है। तीन अंतर हो गया, चौथा अंतर लिखना है क्या, चौथा अंतर लिखना है बाह्य शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसको मिल रहा है तो पूरी तरह से ग्लूकोज को जला देगा और पूर्ण ऑक्सीकरण होगा ना। लिखना है बाह्य शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और बाह्य शोषण में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, समझ तो लिखा गया। अगला अंतर लिखना है कि बाह्य शोषण में बाह्य
श्वसन में, तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है, CO2 H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसमें अवायवीय श्वसन में लिखना है कि अवायवीय श्वसन में लिखना है क्या लिखना है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण, आंशिक में तो समझ रहा है थोड़ा ऑक्सीकरण होता है, आंशिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है, इथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है, समझ तो लोग आ गया ना, इथेनॉल यानी दरुआ हुआ ही, ठीक है ना, इथेनॉल और CO2 का निर्माण होता है और यह क्रिया ईस्ट में होता है, कहाँ होता है बताए थे ना। अगला अंतर लिख रहा है कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा काफ़ी मात्रा में मुक्त होता है, यानी वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होता है, क्योंकि पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है, अब पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ तो ऊर्जा बहुत मुक्त होगा, तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त होता है और वायवीय श्वसन में ऊर्जा निम्न मात्रा में मुक्त होता है। फिर वायवीय श्वसन में 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है और वायवीय श्वसन में मात्र 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, समझ तुम लोग आ गया ना। फिर अगला अंतर लिखना है, अधिकांश जीवों में वायवीय श्वसन होता है, जितना जीव तुम लोग देख रहे हैं आसपास में देख रहे हैं ना, चाहे आदमी हो या जानवर हो, ठीक है ना, आदमी हो या गाय भैंस बकरी, ठीक है ना, जितना भी मक्खी उक्खी हो या जितना भी हो, ठीक है, जिसको हम देख रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें होता है वायवीय श्वसन, क्या होता है, लेकिन सूक्ष्म जीव में अवायवीय श्वसन होता है, तो लिखना है अधिकांश सूक्ष्म जीव में अवायवीय श्वसन होता है, जैसे एग्जाम्पल में ईस्ट, क्या देना है ईस्ट, कौन विधि द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा, तो ये हो गया अंतर, लिख लेगा, ये पांच नंबरिया में भी आ सकता है, ठीक है ना, और दो नंबरिया में आएगा तो ऐसे लिख देगा, दो तीन अंतर लिख लेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अगला इंपॉर्टेंट है 21 नंबर, बोल रहा है क्या, प्रायोगिक, तुम लोग सुनता नहीं, यहाँ ध्यान से सुन लगा था, तुम लोग को याद हो जाएगा लड़के का कि तुम्हारा कभी नहीं रटना है, बोल देंगे जो हम बोल रहे हैं वो एक बार लिखना है और उसी को पढ़ते रहना सप्ताह में कम से कम दो बार, चाहे ऑब्जेक्टिव हम जो VBI बताए हैं या जो सब्जेक्टिव में VBI बताए हैं वो सप्ताह में कम से कम दो बार पढ़ना जरूरी है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो तुम लोग को कमज़ोर पार्ट नज़र आ रहा है कि मेरा कमज़ोर है, चाहे मैथ में हो या सोशल साइंस में हो या साइंस में हो या हिंदी में हो या संस्कृत में हो, जो भी पार्ट कमज़ोर है उसको भी ध्यान पढ़ते रहना है, समझ आ गया ना, और मजबूत करते रहना है, समझ तुम लोग आ गया, सेट मारेगा पता चल जाएगा अपने कौन नहीं बन रहा है कौन बन रहा है, ठीक है। तुम लोग 2018, 2019 और 2020 और 2021 का फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग का जो है ना, जो पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम अच्छा तरह से मारना है सेट, क्योंकि उससे पहले वाला मारने से कोई फायदा ना होगा, क्योंकि उससे पहले का सिलेबस कुछ अलग था, खाली पूछता था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, बहुत कम पूछता था, नहीं के बराबर पूछता था, ठीक है ना। तो और अभी पूरा सिलेबस 2020 से बदल गया, दोगुना क्वेश्चन कर दिया है ना, नहीं कर दिया है 21 में, तो और दोगुना कर दिया है ना, तो यही सिलेबस रहेगा, तो ज़्यादा तुम लोग को देना है ध्यान किस पर, 20, 21 और 19, 18 पर, इससे ज़्यादा पीछे नहीं आना है, ठीक है ना, क्योंकि पीछे वाला सिलेबस पूछने का तरीका कुछ अलग था, ठीक है, समझ आ गया ना, ज़्यादा यही सब पर जोर देना है, ठीक है, बनाना है जो नहीं बनेगा वो देखना है, ठीक है ना, क्या नहीं बन रहा है उस पर ध्यान देना है, पाँच नंबरिया मैथ जो नहीं बन रहा है ध्यान देना है, ठीक है ना, तो इसी तरह हम पाँच नंबरिया भी लेकर आएंगे, मैथ लेते आएंगे, लेकिन तुम लोग अपने घर में ही पढ़ते रहो, ठीक है, समझ तो लोग आ गया ना, पचमरिया दो नंबरिया पहले मैथ लेकर आएंगे, फिर पचमरिया मैथ भी लेते आएंगे, इसके बाद सोशल साइंस के बाद, ठीक है ना। क्या अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए, प्रयोग द्वारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन, तो ये तुम लोग को हम सिद्ध करवा चुके हैं, ठीक है ना, ये जो चलिए ध्यान दे, चलो हम बताइए देते हैं, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है, चलो बता देते हैं, ठीक है ना, जल्दी बताते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं, दोनों मरियम पूछेगा तब भी लिख देना है, पश्चिम मरियम पूछेगा तब भी लिख देना है, तो इसको प्रयोग करने के लिए लेना पड़ेगा हमको हाइड्रिला का पौधा, क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रिला का पौधा, क्या करना है, तो एक ठो बीकर लेना है, उसको पानी से भर देना है, ठीक है, उसको पानी से क्या करना है, भर देना है, और उसमें हाइड्रिला के पौधा को डाल देना है, मान लो यहाँ पर हम डाल देंगे किसका पौधा, हाइड्रिला का पौधा को डाल दिए, ठीक है ना, ये आम के पौधा बन गया, लेकिन समझो तुम लोग हाइड्रिला है क्या, तो ये हाइड्रिला के पौधा डाल दिए, ठीक है ना, तो एक लिखना है, क्या लिखना है कि इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए एक बीकर से भरे जल को लेते हैं, बीकर में भरे जल को लेते हैं, उसमें हाइड्रिला के पौधा डालकर, उसमें हाइड्रिला के पौधा को डालकर उसे किप के द्वारा ढक देना है, क्या कहना है, किप के द्वारा ढक देना है, ठीक है ना, किप के द्वारा इस तरह ढक देना है, समझ आ गया ना, किप के द्वारा ढक देना है, इतना लिख दिया है ना, अब इसका लिखना क्या, तो अब लिखना है प्रयोग, क्या लिखें, प्रयोग में इतना लिख दिया ना, अब लिखना है क्या, तो लिखना है अब इस किप में क्या चाहिए, इसमें चाहिए हमको CO2, जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो CO2 आवश्यक है, ठीक है ना, जल तो इसको मिल ही रहा है, जलेम इसको है, जलेम ना है,
उसके प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, प्रकाश आवश्यक है ना, और क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल। क्या है तो क्लोरोफिल, तो हाइड्रिला का पौधा है, तो खुदे ही पौधा है, इसके पास क्लोरोफिल तो है ही, तो क्लोरोफिल भी है, ठीक है। इसमें डाल देंगे क्या, इसमें डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों डालेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है, टूटने से क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। इसलिए तुम लोग को पढ़ाए होंगे हम कि अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा का यूज करते हैं ना, और साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं। जब दोनों रिएक्शन करता है तो क्या होता है, CO2 गैस काफ़ी मात्रा में निकलता है और आग को बुता देता है, पढ़ाए थे। तो इसमें क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, प्रयोग क्या लिखेंगे, तो लिखना है कि बीकर से भरे जल में एक हाइड्रिला के पौधा को रखते हैं तथा उसे कीप से ढक देते हैं, उसे कीप से ढक देते हैं, और कीप में सोडियम बाय कार्बोनेट के कुछ मात्रा को डाल देते हैं जिससे उसे पर्याप्त मात्रा में CO2 गैस मिल सके। इससे क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा, जिससे उसे यानी हाइड्रिला के पौधे को पर्याप्त मात्रा में CO2 गैस मिल सके, ठीक है ना। अब इस उपकरण को प्रकाश में जाकर रख देते हैं, क्योंकि प्रकाश चाहिए ना, यह भी मिलिए गया। अब चाहिए प्रकाश, क्या चाहिए, तो अब इस उपकरण को प्रकाश में ले जाकर कुछ देरी के लिए रख देते हैं। तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि हाइड्रिला के पौधे से बुलबुला निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अब बुलबुला किससे निकलता है, गैस से निकलता है, अरे गैस निकलेगा तो यहीं बुलबुला निकलेगा, तो बुलबुला निकलता है, और ये बुलबुला क्या होता है, ऊपर जाकर प्रखनली के ऊपरी सिरा में लटक जाता है, ऊपरी सिरा में क्या होता है, और यहाँ से पानी नीचे आ जाता है, पानी कहाँ आता है, पानी नीचे से तुम्हें भात बनाता है ना, तो ऊपर जाकर पानी लटक जाता है ना, फिर पानी नीचे गिर जाता है, गिरता है ना, लेकिन गैसवा नीचे गिरेगा क्या, गैसवा तो हमेशा ऊपर जाना खोजेगा, तो पानी का बुलबुला नीचे कुछ समय बाद यह बुलबुला जो है पानी के बूंद के रूप में नीचे गिर जाता है, और जो गैस हाइड्रिला के पौधे से निकला था उसे परीक्षण करने के बाद पता चलता है कि वह गैस और कोई गैस नहीं बल्कि वह ऑक्सीजन गैस था। कौन गैस था, ऑक्सीजन गैस था। इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन गैस निकलता है। लिख देगा, लिख पाएगा इतना, अरे फिर बोलते हैं, लिखना है क्या, लिखना है इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए क्या, प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए जल से भरे बीकर में हाइड्रिला के पौधे को डाल देते हैं, फिर उसे एक कीप के द्वारा ढक देते हैं, ठीक है ना, और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट के कुछ मात्रा को डालते हैं जिससे उसे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में CO2 गैस मिल सके। अब यह सारा उपकरण को सूर्य के प्रकाश में ले जाकर कुछ देरी के लिए रख देते हैं, तो हम पाते हैं कि हाइड्रिला के पौधे से बुलबुला निकल रहा है, और ये जाके कीप के ऊपरी शिला से लटक जाता है, और पानी फिर बूंद के रूप में नीचे टपक जाता है, और वो गैस जो रहता है वो गैस को परीक्षण के द्वारा हम जब जांच करते हैं तो पता चलता है कि वह गैस और कोई गैस नहीं बल्कि वह ऑक्सीजन गैस है। इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलता है। समय तो लगा गया, लिख देगा। चलो अगला है क्या, अगला इंपॉर्टेंट तुम्हारा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को सचित्र दर्शाइए। क्या बोल रहा है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। देखो ये 2 नंबरिया में भी आ सकता है या 5 नंबरिया में भी आ सकता है, तो जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, ठीक है ना। तो इस प्रयोग को करने के लिए देखिए, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, या प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, ठीक है ना, या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इस प्रयोग को करने के लिए हमको लेना पड़ेगा गमले का पौधा, क्या लेना पड़ेगा, गमले का पौधा लेना पड़ेगा, ठीक है, और गमले के पौधा के साथ हमको लेना पड़ेगा क्या, आयोडीन के घोल, क्या लेना पड़ेगा, पहले लिखना आवश्यक उपकरण, क्या लिखना है, आवश्यक उपकरण, तो लिखना है गमले में लगा हुआ एक पौधा, फिर तुम लोग को क्या लिखना है, तो गमले में लगा हुआ एक पौधा लिख दिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखना है क्या, तो उसके बाद लिखना है आयोडीन का घोल लिख दिए, फिर लिखना है अल्कोहल, तो ये सभी हो गया आवश्यक उपकरण, क्या हो गया आवश्यक उपकरण। अब क्या करना है, जो गमला में लगा हुआ पौधा है, अब लिखना है प्रयोग, क्या लिखना है,
प्रयोग में लिखना है, ठीक है, प्रयोग में लिखना है क्या कि गमले में लगा हुआ एक पौधे को, गमले में लगा हुआ एक पौधे को दो से तीन दिन के लिए, दो से तीन दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अंधेरा में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचेगा, और जब प्रकाश नहीं पहुँचेगा तो उसके पतैया में जो भोजन बना हुआ है, पहले वो प्रकाश में था अंधेरे पौधा, ठीक है ना, तो उसके पतैया में भोजन बन गया होगा, तो जो भोजन बन गया है तो उस पहले खत्म हो जाए। जैसे तुम लोग को दो तीन दिन बंद कर देंगे रूम में, ठीक है, खाने पीने नहीं देंगे, जो पैटर्न तुम्हारा खत्म हो जाएगा, पच जाएगा ना, उसका तुम्हारा हालत ख़राब होने लगेगा। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, पौधा को ले जाएंगे गमले में लगा हुआ एक पौधा को अंधेरे कमरे में दो से तीन दिन, यानी लगभग 36 घंटा, लगभग 36 घंटा, ठीक है ना, अंधेरे कमरे में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं। क्यों रखें? क्योंकि उसका पतैया में जो बनल था स्टार्च यानी मंड यानी जो ग्लूकोज बनल है वो समाप्त हो जाए, क्या समाप्त हो जाए, ठीक है ना। अब रख दिए, ठीक है, तो अंधेरे कमरे में रख देते हैं, फिर उस 36 घंटे के बाद, दो तीन दिन के बाद, ठीक है ना। तो लिखना है क्या, गमले में लगा हुआ एक पौधे को 36 घंटा के लिए या दो से तीन दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं, ठीक है ना। फिर उस पौधे के किसी एक पत्ती को, किसी एक पत्ती को काला पट्टी से ढक देते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक पौधा बना दिए, क्या बना दिए, पौधा बना दिए, इसका एक पत्ती है, ये क्या है, पत्ती है, ठीक है ना, यहाँ पर भी पत्ती बहुत सारा है, तो किसी एक पत्ती को क्या करेंगे, किसी एक पत्ती को काला पट्टी से ढक देंगे, काला पट्टी से क्या करेंगे, ढक देंगे, ठीक है ना। तो मान लो कि पत्ती के काला पट्टी से इतना भाग ढक दिए, इतना भाग ढक दिए ना, कौन पट्टी से, काला पट्टी से, क्योंकि काला पट्टी क्या करेगा, यहाँ पर प्रकाश को आने एकदम नहीं देगा एकदम, तो काला पट्टी से क्या करेंगे, ढक देंगे, काला पट्टी से क्या करेंगे, ढक देंगे, कुछ भाग को ढकेंगे, सब भाग को नहीं, सब भाग को, तो फिर लिखना है क्या, फिर कुछ भाग को काला पट्टी से ढक देते हैं, कुछ भाग को काला पट्टी से ढक देते हैं, और फिर इस उपकरण को ले जा कहाँ रख देंगे, धूप में, कहाँ रख देंगे, धूप में। जब इसको धूप में रखेंगे तो सिंपल बात है, अभी क्या करना है, प्रकाश इसको मिल गया, वातावरण से CO2 मिल जाएगा, इसके पास क्लोरोफिल है ही, जरिया द्वारा पनिया लिए लेगा, तो क्या करने लगेगा, ये करने लगा प्रकाश संश्लेषण, क्या करने लगेगा, तो लिखना है फिर इस उपकरण को प्रकाश में ले जाकर रख देते हैं, रख देते हैं, तो ये जो करका भाग से जो ढक दिए हैं उसको क्या नहीं मिल रहा है, प्रकाश नहीं मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है क्या, उसको प्रकाश नहीं मिल रहा है, बाकी बार इसको भी प्रकाश मिल रहा है, इसको भी प्रकाश मिल रहा है, इसको CO2 भी मिल रहा है, जल भी मिल रहा है, और कोलो फिर भी है लेकिन प्रकाश नहीं मिल रहा है, और इसको सब कुछ मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो हम इस उपकरण को दो तीन घंटे इस उपकरण को कुछ देरी के लिए प्रकाश में रख देते हैं, प्रकाश में रख देते हैं, फिर कुछ घंटों के बाद इस उपकरण को फिर छांव में लाते हैं, कहाँ लाते हैं, छांव में लाते हैं, और इस पट्टी को तोड़ लेते हैं, और इसे फिर पानी में डालकर उबाल लेते हैं, और फिर उसे अल्कोहल से धो देते हैं, पट्टी को अल्कोहल से धो देते हैं, पटिया की हटा के, ठीक है ना, पटिया को हटा के उबाल रहे हैं, ठीक है ना, तो पानी में डालकर उबाल लेते हैं और फिर अल्कोहल से उसे धो देते हैं, फिर उस पर आयोडीन के बूंद डालते हैं, याद रखना, स्टार्च या मंड के जांच के लिए हम आयोडीन के बूंद के इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो फिर उस पर हम आयोडीन का बूंद डालते हैं, तो हम पाते हैं कि जो भाग पट्टी से ढका हुआ नहीं था, वो भाग नीला हो गया है, आयोडीन के बूंद पड़ते ही क्या हो गया है, नीला हो गया है, और जो भाग काला पट्टी से ढका हुआ था उस पर आयोडीन के बूंद पड़ने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, या तो पीला हो गया। तो हम जानते हैं कि आयोडीन के उपस्थिति में स्टार्च या मंड नीला होता है, क्या होता है, स्टार्च या मंड नीला होता है। तो स्टार्च या मंड यहाँ पर क्या हो गया, नीला हो गया, यानी यहाँ पर स्टार्च या मंड बना, क्या बना, स्टार्च या मंड बना, और स्टार्च या मंड कब बनता है, पत्ती में, जब वो करता है प्रकाश संश्लेषण, जब क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। तो लिखना है क्या, तो इससे पता चलता है कि जो भाग पट्टी से बाहर था उसमें उसे प्रकाश मिला और वो प्रकाश संश्लेषण किया और स्टार्च या मंड का निर्माण हुआ, लेकिन जो भाग पट्टी से ढका था उसे प्रकाश नहीं मिला, प्रकाश नहीं मिलने के कारण वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाया, जिसके कारण उस भाग में स्टार्च या मंड का निर्माण नहीं हो पाया, इसलिए आयोडीन के बूंद पड़ने पर वो पीला हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, समझ तो लोग आ गया। फिर एक बार हम जल्दी जल्दी बोल लेते हैं, क्या बोलना है, एक गमले में लगा हुआ, पहले लिखना आवश्यक उपकरण, क्या लिखना, आवश्यक उपकरण में लिखना है गमले में लगा हुआ पौधा। फिर लिखना आयोडीन का घोल, ठीक है ना, यानी KI, ब्रैकेट में क्या लिखना है, पोटेशियम आयोडाइड यानी के
आई, ठीक है ना। फिर तुम लोग को लिखना है क्या, फिर लिखना है अल्कोहल, क्या लिखना है, और लिखना है काला पट्टी है, काला पट्टी, ठीक है ना। अब लिखना है कि गमले में लगा हुआ पौधा को कुछ देर थी, गमले में लगा हुआ पौधा को 36 घंटे के लिए या 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं, फिर उस गमले को, ठीक है ना, फिर उस गमले के किसी एक पत्ती को, ठीक है ना, पत्ती को काला पट्टी से ढक देते हैं, और फिर उस उपकरण को बाहर लेकर आते हैं, प्रकाश में लेकर आते हैं, और कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, और फिर उस उपकरण को छांव में ले जाकर, यानी अंधेरे कमरे में ले जाकर या छांव में ले जाकर उस पट्टी को हटाते हैं तथा उस पत्ती को पानी में उबाल कर उसे अल्कोहल से धो देते हैं, ठीक है ना। अब उसे उस पर आयोडीन के कुछ बूंदे को डालते हैं, तो हम पाते हैं कि जो पत्ती का भाग, ठीक है ना, काला पट्टी से ढका हुआ नहीं था, उस पर आयोडीन के बूंद पड़ने पर वो नीला हो गया है, लेकिन जो पत्ती का भाग काला पट्टी से ढका था उस पर आयोडीन के बूंद पड़ने पर वो पीला हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि जो भाग काला पट्टी से बाहर था उसे प्रकाश मिला है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ है, और जो भाग काला पट्टी के अंदर था उसे प्रकाश नहीं मिलने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। समझ तो लोग आ गया, पचम मरियम भी आएगा लिख देगा ना, दोनों मरियम भी आएगा लिख देगा ना, समझ आ गया। चलो अगला बोला कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। CO2 क्या है? CO2 आवश्यक है। चलो इसको भी जल्दी जल्दी बताइए देते हैं तुम लोग को, ठीक है ना। CO2 आवश्यक है। CO2 क्या है? आवश्यक है। देखो इसमें भी वही उपकरण लेना है। क्या लेना है? गमले में लगा हुआ पौधा है, गमले में लगा हुआ रे बंदर, क्या लेना है? एक पहले लिखना है आवश्यक उपकरण लिखना है। गमले में लगा हुआ पौधा लिख दिया ना, तो एक गमले में लगा हुआ पौधा, फिर वही आयोडीन के घोल, फिर वही अल्कोहल, और एक बोतल, एक क्या लेना है, बोतल। अब बोतल के मुँह पर लगाने के लिए कोरकबा, क्या कोर्स तुम्हें समझ रहा है ना, तुम लोग अलता उलता खरीदा होगा तो देखा ना, उसमें एक ठो लुइएसन होता है, ढक्कन होता है ना, या तुम लोग एक ठो दवाई पहले खरीदा होगा, शीशिया खरीदता है ना गाँव वाला, उसमें देखना वो लबरेसन लगा रहता है, उसको बोलते हैं कोर, क्या बोलते हैं कोर्क, बैडमिंटन में खेलने वाला कोर्क बना ले लेना, समझ गया ना। तो कोर्क क्या लिखना है, तो इसने आवश्यक उपकरण लिख दिया ना। अब लिखना है क्या, देख यहाँ पर आप क्या लिखना है, गमले के पौधे को 2 से 3 दिन या 36 घंटा धूप में अंधेरे कमरे में रख देते हैं। अब उस पौधे के किसी एक पत्ती को, ठीक है ना, मान लो को एक पत्तू ले रहे हैं, ठीक है ना, पत्ती को हम फिर बना रहे हैं, तोड़ दिए, फिर जिंदा हो गया, ठीक है। तो किसी एक पत्ती को क्या करेंगे पता है, तो बोतल से क्या करेंगे, हम CO2 के लिए सिद्ध कर रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, उसके लिए सिद्ध कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, किसी एक पत्ती को बोतल में आधा भाग को अंदर कर देंगे, आधा भाग को क्या करेंगे, अंदर कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, कोर्क, जैसे तुम लोग को पता है, जैसे मुहा मारा आधा पत्ती क्या किए, घुसा लिए ना, और थोड़ा से दाब लेंगे, तो क्या कोर के काम कर दिया, यानी चिपका दिया, अब अंदर ला हवा, बाहर ला हवा अंदर न जाएगा, बाहर ला हवा न जाएगा क्या, तो बाहर ला हवा अंदर नहीं जाएगा। तो क्या लगा दें यहाँ, कोर क्या लगा दिए, तो अब जो है बाहर ला हवा अंदर नहीं जाएगा, और जब बाहर ला हवा अंदर नहीं जा पाएगा तो उसको CO2 मिलेगा ना। और ये बोतल होना चाहिए ना, ये बोतल होना चाहिए पारदर्शी बोतल। कैसा बोतल? पारदर्शी बोतल, क्यों? क्योंकि पारदर्शी बोतल रहेगा तो उसमें प्रकाश अंदर से आराम से चल जाएगा ना, इसको प्रकाश भी मिल जाएगा। उसके बाद इसको जो है क्या मिल जाएगा, तो इसको प्रकाश भी मिल गया, सिपा क्लोरोफिल खुद है ना, और पतैया के द्वारा पनियों भी घुस जाएगा, पतैया होकर ना घुसेगा, तो पनियों भी घुस जाएगा, नहीं पानी भी मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर हवा ना जा पाएगा। हवा जा पाएगा क्योंकि अच्छी तरह से हम पैक कर दिए हैं, हवा ना जा पाएगा तो CO2 ना जा पाएगा। लेकिन जो बहरा में है उसको CO2 भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा, क्लोरोफिल भी मिल जाएगा, और प्रकाश भी मिल जाएगा ना। समझ लोग आया, अब इतना चीज कर दिए ना, तो क्या बोले थे, पहले लिखना आवश्यक उपकरण, क्या लिखना है, आवश्यक उपकरण में लिखना है एक गमला में लगा हुआ पौधा, ठीक है ना। फिर लिखना है एक पारदर्शी बोतल, फिर लिखना है वो कोर्क, क्या लिखना है, कोर्क लिख दिए ना। फिर लिखना है क्या, फिर लिखना है KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों लिखेंगे KOH पता है, KOH को हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि KOH का काम होता है CO2 को सोख लेना। क्योंकि जब हम इसमें जब हम बंद कर रहे थे पतैया के जोन भाग, हम बंद कर रहे थे बोतल के अंदर, उसमें बोतल में कुछ हवा तो रह गया, हवा ना बंद हो गया, और हवा में क्या है, CO2 क्या है,
तो CO2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसमें पहले से हम डाल देंगे KOH, क्या डालेंगे और KOH क्या करेगा, और जितना भी CO2 था सबको खा जाएगा यानी सोख लेगा, क्या करेगा, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा भी CO2 ना है, थोड़ा सा भी CO2 ना है, तो लिखना है KOH, क्या लिखना है KOH, और लिखना है क्या, तो लिखना है आयोडीन के घोल और अल्कोहल, आयोडीन के घोल और अल्कोहल, इतना से लिख दिया आवश्यक उपकरण में लिख दिया ना, और लिखना है प्रयोग, क्या लिखना है प्रयोग, लिखना है कि पौधे में अति गमले में लगा हुआ पौधे को 36 घंटा के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं, फिर उस गमले में लगा हुआ पौधे की किसी एक पत्ती को, किसी एक पत्ती को बोतल के अंदर, बोतल के अंदर इस प्रकार आधा रखते हैं, इस प्रकार आधा भाग को बंद करते हैं, इस प्रकार आधा भाग को बंद करते हैं, ठीक है ना, लिखना है क्या कि फिर उस पौधे के, फिर उस गमले में लगा हुआ पौधे के किसी एक पत्ती को, किसी एक पत्ती को बोतल में इस प्रकार बंद करते हैं, बोतल में इस प्रकार बंद करते हैं कि पत्ती का आधा भाग बाहर और पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर हो, बोतल के अंदर हो, ठीक है ना, और फिर कोर्क लगा दिए, लगा दिया ना, अब इस उपकरण को, अब इस उपकरण को ले जाकर धूप में यानी प्रकाश में कुछ घंटे के लिए रख देते हैं, कुछ घंटे के लिए यानी 3-4 घंटा के लिए रख देते हैं, 3-4 घंटा के लिए रख देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद इस उपकरण को छांव में लेकर आते हैं, छांव में लेकर आते हैं और पुनः इस पत्ती को तोड़ लेते हैं और इसे बोतल से बाहर करते हैं, बोतल से बाहर करते हैं और फिर इसे पानी में उबाल कर, पानी में उबाल कर, वही काम कर रहे हैं, समझ रहा है ना, पानी में उबाल कर अल्कोहल से धो देते हैं, अल्कोहल से धो देते हैं और फिर इस पर आयोडीन के बूंद डालते हैं, आयोडीन के बूंद डालते हैं, तो हम पाते हैं कि जो भाग बोतल से बाहर था वो भाग नीला हो गया, वो भाग नीला हो गया है, और जो भाग बोतल के अंदर था, बोतल के अंदर था वो भाग आयोडीन के बूंद पड़ने पर पीला हो गया, पीला हो गया है, इससे पता चलता है कि जो भाग बोतल से बाहर था उसमें मंड का, उसमें प्रकाश मिला है, और प्रकाश मिलने के कारण उसमें स्टार्च या मंड का निर्माण हुआ है, लेकिन जो भाग प्रकाश मिलने के कारण, बोल दिए CO2 मिलने के कारण, क्या CO2 मिलने के कारण, क्योंकि बाहर था ना, तो CO2 मिलने के कारण स्टार्च या मंड का निर्माण हुआ है, लेकिन जो भाग बोतल के अंदर था उसे CO2 नहीं मिल पाया, इसलिए उसमें स्टार्च या मंड का निर्माण नहीं हुआ, यानी उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, समझ तो लोग आ गया, समझ लो का यार, एक बार जल्दी जल्दी पूरा एक बार और बोल देते हैं, क्या बोले थे हम, बोले थे आवश्यक उपकरण में क्या लेना है, गमले में लगा हुआ पौधा लेना है, ठीक है ना, पारदर्शी बोतल लेना है, कोर्क लेना है, KOH लेना है, ठीक है ना, आयोडीन के घोल लेना है, अल्कोहल लेना है, ठीक है, लिखना है प्रयोग में क्या लिखना है कि गमले में लगा हुआ पौधा को 36 घंटा के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं, फिर उसके किसी एक पत्ती को बोतल के अंदर इस प्रकार बंद करते हैं कि पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर हो और आधा भाग बोतल के अंदर हो, और बोतल में पहले से ही KOH रख देते हैं ताकि वो बोतल में उपस्थित CO2 गैस को सोख ले, समझ तुमको आ गया ना, अब इस उपकरण को धूप में ले जाकर यानी प्रकाश में ले जाकर कुछ घंटे के लिए रख देते हैं, 3-4 घंटे के लिए रख देते हैं, फिर इस उपकरण को छांव में लाकर खोलते हैं और उस पत्ती को तोड़ लेते हैं, ठीक है ना, इस पत्ती को तोड़ लेते हैं, बोतल को हटा देते हैं और इस पत्ती को गर्म पानी में उबाल कर अल्कोहल से धो देते हैं, ठीक है ना, और फिर इसमें आयोडीन के बूंदे डालते हैं, तो हम पाते हैं कि जो भाग बोतल से बाहर था वो भाग नीला हो गया है और जो भाग बोतल के अंदर था वो भाग पीला हो गया है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि जो भाग नीला हुआ है उसे CO2 गैस मिला है, अर्थात उसमें स्टार्च या मंड का निर्माण हुआ है, लेकिन जो भाग बोतल के अंदर था उसे CO2 गैस नहीं मिला है, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है, इसलिए स्टार्च या मंड का निर्माण नहीं हुआ है, इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, समझ तो लोग आ गया, एक तो पूछता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, या क्या पूछता है, क्लोरोफिल आवश्यक है, तो उसमें तुमको क्लोरोफिल आवश्यक है, उसमें तुमको लेना पड़ेगा क्या, क्रोटोन या कैरियोओलिस का पौधा, क्या लेना पड़ेगा, तुम लोग बताया थे ना, क्रोटोन नामक पौधा लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, क्रोटोन या कैरियोओलिस का पौधा लेना पड़ेगा, समझ तुम लोग आ रहा है, क्यों, क्योंकि उस पत्ती का कुछ भाग क्या होता है पीला, क्या होता है पीला होता है, कुछ भाग क्या होता है हरा, क्या होता है, ऐसा पत्ती तुम लोग देखा होगा जिसका कुछ भाग क्या होता है पीला होता है और कुछ भाग क्या होता है हरा, जो भाग हरा है उसमें क्लोरोफिल है और जो भाग पीला है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, समझ तुम लोग आ गया ना, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, उसको सिद्ध करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, क्रोटोन या कैरियोओलिस का पौधा, क्रोटोन या कैरियोओलिस का पौधा लेना पड़ेगा, समझ तुम लोग आ गया ना, तो वही उसमें भी करना, उसको जल्दी जल्दी बोल देते हैं, उसमें लिखना आवश्यक उपकरण, क्या लिखना है, आवश्यक उपकरण में लिखना है गमले में लगा हुआ क्रोटोन या कैरियोओलिस का पौधा, क्रोटोन या कैरियोओलिस का पौधा लिख देगा ना,
ठीक है ना। फिर क्या लेना है, तो फिर लेना है वही वाला, क्या लेना है, तो लेना है क्या, आयोडीन के घोर, आयोडीन के घोर, समझ तो लोग आ गया, आयोडीन के घोर लेना है। उसके बाद क्या लेना है, तो अल्कोहल लेना है। क्या लेना है, ये हो गया आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण किसके लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है उसके लिए। आप कैरियोलिस गमले में लगा हुआ कैरियोलिस या क्रोटोन नामक पौधा को अंधेरे कमरे में रख देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं, तो कुछ दिन के बाद रखने पर क्या होगा, उसमें स्टार्च बनल था, मंड बनल था, वो सब खत्म, पैसा हजम हो गया उसका। आप क्या करेंगे, उस पत्ती को तोड़ेंगे, उस पत्ती को तोड़ेंगे, ठीक है ना, या वैसा भाग जो पीला है, जिस जहाँ पर क्लोरोफिल ना है, वो भाग क्या है, पीला क्या है, तो वैसा भाग जो पीला पीला है उसको चिन्हित पहले कर देंगे, क्या कर देंगे, चिन्हित कर देंगे। और जो हरा भाग है वो तो अपने बच जाएगा, जब पीला भाग रख देंगे तो हरा भाग जो बचा वो हरेन भाग कहलाएगा, उसको क्या करेंगे, धूप में ले जाकर रख देंगे, धूप में ले जाकर रख देंगे, ठीक है ना। या तो या धूप में ना रखेगा तो पहले से को पत्ती पौधा कुछ लगा हुआ गमला वाला में, उसके पत्ते या जो धूप में रखा हुआ उससे पहले तोड़ ले, तोड़ ले तो उसको तो धूप में पहले से रखा ले, ना रखा ले, समय तो उनका आया, तो पौधे कैसे लिखना पहले बता देते हैं। लिखना कि इस प्रयोग को करने के लिए गमले में लगा हुआ है क्रोटोन नामक पौधे के पत्ती को लेते हैं, क्रोटोन नामक पौधे के पत्ती को लेते हैं, ठीक है ना। और उस पत्ती में जो भाग पीला है, ठीक है ना, उसे चिन्हित कर देते हैं, उसे चिन्हित कर देते हैं, फिर उसे गर्म पानी में उबाल देते हैं, गर्म पानी में उबाल देते हैं। काल उबाल दिए, उसको था में कहने ले गए, क्योंकि पहले से धूपा में था, पहले से धूपा में था, तो पहले से धूपा में था ही, और उसमें वो भाग जाओ जो भाग हरा था उसमें तो प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा, और जो भाग पीला उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। उसे गर्म पानी से उबाल लेते हैं, गर्म पानी से उबाल लेते हैं, ठीक है ना। और गर्म पानी से उबालने के बाद उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल से धो देते हैं, अल्कोहल से धो देते हैं, फिर उसमें आयोडीन के कुछ बूंदे को डालते हैं, आयोडीन के कुछ बूंदे को डालते हैं, तो हम पाते हैं कि जो भाग हरा था वो भाग क्या हो गया, नीला क्या हो गया, चूँकि उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ है, चूँकि उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित था। लेकिन जो भाग पीला है वो भाग हरा नहीं हुआ, वो भाग नीला नहीं हुआ है, चूँकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं था, जिसके कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक है। समय तुम लोग आ गया, समय आ जाए तुम लोग करे तो लिख देगा ना, तो भारी बात ना, एक बार पढ़ेगा तीनों हो गया खत्म, ठीक है ना। अगला देखो तुम लोग, अगला क्या है, अगला इंपॉर्टेंट है, पोषण क्या है, इसके विभिन्न चरण कौन कौन से है, पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से है, तो तुमको बताए थे वे सारी विधि जिसके द्वारा, पोषण क्या है हम बता रहे हैं, पोषण क्या है तो तुम लोग को बताए थे वे सारी विधि, क्वेश्चन नंबर 48 में मिलेगा। तो क्या बताए थे, वे सारी विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहा जाता है। लिखना वे सारी विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहा जाता है। अब बोल रहा है क्या इसके विभिन्न चरण कौन कौन से है, तो लिखना ये दो प्रकार के होता है, चरण मतलब कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो ये पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण एक परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं, तो लिख देना है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाए उसे स्वपोषी कहा जाता है, ठीक है ना, और स्वपोषण कहा जाता है, जो जिसमें जीव अपना भोजन खुद ना बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहता है उसे परपोषण कहा जाता है, ठीक है ना। इतना लिखना है, अगर बड़ा पूछेगा कि परपोषण कितने प्रकार का होता है, तो परपोषण भी तीन प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का होता है, तो परपोषण भी तीन प्रकार का होता है। एक होता है मृत जीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण, एक होता है प्राणी सम पोषण, लेकिन वो पूछा गया नहीं, पूछेगा तो लिख देना, ठीक है, समझ लो का आया। अगला क्या है, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है तुम लोग का शोषण किसे कहते हैं, तो क्या लिखेगा, पूछेगा शोषण किसे कहते हैं, इसका समीकरण को लिखें, समीकरण को तो लिख पाएगा तुम लोग, शोषण किसे कहते हैं, इसका समीकरण को लिखें, इसका समीकरण को तो लिख पाएगा, चलिए बता, तो लिखना वे सारी क्रियाएँ। शोषण पूछेगा तो क्या बोलना है, वे सारी क्रियाएँ जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिका में उपस्थित कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है उसे उस प्रक्रिया को शोषण कहा जाता है। क्या लिखना, शोषण में क्या लिखना है, लिखना वे सारी प्रक्रिया, ठीक है ना,
जिसके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर कोशिका में उपस्थित कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण होता है, विखंडन होता है और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये सारी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, श्वसन में क्या होता है तो हम लोग के पास होता है ग्लूकोज, कोशिका में होता है ग्लूकोज क्या होता है, और यहाँ पहुँच गया ऑक्सीजन, अभी क्या करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इससे करेगा ऑक्सीकरण, यानी इसका ऑक्सीकरण करेगा तो इसको तोड़ देगा, और बना लेगा क्या, श्वसन बता रहे हैं, ठीक है ना, बना लेगा क्या, बनाएगा CO2, यानी हम लोग लिए ऑक्सीजन और छोड़ रहे हैं CO2, क्या छोड़ रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, और क्या बनेगा तो कुछ मात्रा में जल भी बनता है, और काफ़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगा, ऊर्जा मुक्त होगा, तो समीकरण भी लिख देना है, समीकरण में क्या करना है, लिख देना है, बोलेगा ऐसे संतुलित करो, क्या बोलेगा तो संतुलित करने बोलेगा, तो हम पेड़ पौधा वाला हम देखे थे क्या, इधर जल भी था ना, तो दिए थे बारे क्या दिए थे, लेकिन इसमें इधर जल नहीं है, तो इसमें खाली छो लगा देना, छोटका उसमें क्या लगा देना है, छो लगा देना, संतुलित भी हो गया, समझ तुम लोग आ गया। अगर प्रकाश संश्लेषण पूछेगा तो उसमें लगाना है, इधर जो जल रहेगा उसमें लगाते हैं बारे, क्या लगाते हैं, लेकिन इसमें लगाते हैं छः, संतुलित हो गया, समझ तुम लोग आ गया। श्वसन कैसे पूछेगा, लिख देगा, सूत्र लिखो तो लिख देगा ना, समीकरण लिखो तो लिख देगा ना, तो क्या बोले थे, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा ऑक्सीजन को प्राप्त कर, कोशिका में पहुंचाया जाता है और कोशिका में उपस्थित कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और हमें ऊर्जा का प्राप्ति होता है, इस प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है, और ये लिख दिए, समझ तो लगाया। चलो अगला जो है इम्पोर्टेंट, है वो क्या है देख लेते हैं, शाकाहारी मांसाहारी में अंतर पूछेगा, ये सब तो तुम अपने कर देगा, नहीं कर पाएगा। बायोलॉजी में जो है ना, अच्छा पूछेगा तुम लोग का रक्तदाब किसे कहते हैं, 85 नंबर में है, पूछेगा रक्तदाब किसे कहते हैं, इसे कैसे मापते हैं, तो नहीं बता पाएगा, क्या बोलेगा, रक्तदाब किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशरवा किसे कहते हैं, तो बता देगा तुम लोग, क्या बोलेगा, क्या तो रक्तदाब किसे कहते हैं, तो बोलना है क्या, महाधमनी तथा उनके सिरों, महाधमनी का शाखा है धमनी, क्या है धमनी, है ना। तो बोलना है, बोलेगा क्या कि ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है, लेकिन लिखना है कि महाधमनी तथा उनके शाखाओं में, रक्त के दाब को, रक्तदाब कहा जाता है, क्या बोलना है, महाधमनी तथा उनके शाखाओं में रक्तदाब कहा जाता है, और इसे कैसे मापा जाता है, पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसे स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ये सब ना लिख देगा। और सामान्य मनुष्य के लिए रक्तदाब कितना होना चाहिए, 120/80, 120 क्या है सिस्टोलिक और 80 क्या है डायस्टोलिक, बताए थे ना। चलो अगला देख लेते हैं क्या है जो इम्पोर्टेंट, तुम्हारा यहाँ पर है, पहुँच जाओ नियंत्रण एवं समन्वय में, नियंत्रण एवं समन्वय में पहुंचना है, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है क्या, कि हार्मोन क्या है, समझ तो लोग आ गया, तो हार्मोन क्या है, दो पादप हार्मोन के नाम लिखना है, तो हार्मोन क्या है, तो देखिए यहाँ पर पूछा है हार्मोन क्या है, तुम लोग को पता है ना, हम लोग का शरीर का नियंत्रण होता है हार्मोन के द्वारा और दिमाग के द्वारा, बताया था ना, दिमाग तुरंत भी एक्शन लेता है लेकिन हार्मोन थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन लेता है, करता है ना। तो हम लोग का शरीर का नियंत्रण होता है हार्मोन और दिमाग के द्वारा होता है, लेकिन पेड़ पौधा का पूरा शरीर का नियंत्रण होता है हार्मोन के द्वारा, कैसे द्वारा होता है, पेड़ पौधा के पास दिमाग ना होता, दिमाग रहेगा तो उसका हमारा, अगर दिमाग उसके पास रहेगा तो उसको ढलवा मारेगा तुमको ठपटक नहीं देगा, उठाएगा ना ऊपरा ऊपर देगा पटक नहीं पटक देगा, तो उसके पास होता है हार्मोन, क्या होता है हार्मोन होता है, फल पकाने वाला हार्मोन का नाम क्या है इथिलीन, क्या है, यहाँ बोल रहा है कि हार्मोन क्या है, हार्मोन क्या है, और दो पादप हार्मोन का नाम बताया था तुम लोग को, हम पांच उपादप हार्मोन का नाम बताए थे ना, बताए थे ना। तो लिखना है हार्मोन क्या है, तो लिखना है कि हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ है, हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ जो जीवों के शरीर को नियंत्रण एवं वृद्धि को कंट्रोल करता है, नियंत्रण समन्वय और वृद्धि को नियंत्रण करता है, समझ तो लोग आ गया ना,
तो लिखना है क्या, हार्मोन क्या है, तो लिखना है हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ है, वे रासायनिक जो पदार्थ है जो जीवों के जीवों को नियंत्रण, जो जीवों के वृद्धि को नियंत्रण करता है, ठीक है ना, और संतुलन करता है, उसे हार्मोन कहा जाता है, उसे हार्मोन कहा जाता है। लेकिन पूछ रहा है कि पेड़ पौधा में पाए जाने वाले दो को हार्मोन के नाम लिखो, तो तुम लोग को हम पांच हार्मोन का नाम बता रहे हैं, एक ऑक्सीजन, दो को कौन, तुम लोग को जो लिखना होगा दो को लिख देगा, ठीक है ना, हम बता रहे हैं पाँच, कितना बता रहे हैं, जो तुम लोग को दो को लिखना है वो लिख देना है, ऑक्सीजन जिबलेलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक एथिलिन, क्या बोले थे, ऑक्सीजन जिबलेलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक एथिलिन। ऑक्सीजन पाया जाता है पेड़ पौधे के शीर्ष वाला भाग पर, यानी पेड़ पौधे के लंबाई बढ़ाने में को सहायता करता है, तो ऑक्सीजन कौन करता है, ऑक्सीजन, और जिबलेलिन भी जो है पेड़ पौधे के लंबाई बढ़ाने में सहायता करता है, लेकिन ऑक्सीजन मेन रूप से करता है, समझ तो आ गया ना। साइटोकाइनिन जो होता है पेड़ पौधे के पत्ती का रंग एकदम हरा रखता है, ताज़ा रहता है, क्या रहता है, पेड़ पौधा को ताज़ा रखने वाला है कौन, साइटोकाइनिन कौन है। और एब्सिसिक जो होता है ये पेड़ पौधा को बढ़ने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता है, यानी वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं, तो वृद्धि रोधक हार्मोन एब्सिसिक को कहा जाता है, समझ तुम लोग आ गया ना। जो पौधा बिटनिक रह गया है उसमें समझाना, उसमें वृद्धि रोधक हार्मोन ज़्यादा है, यानी एब्सिसिक हार्मोन क्या है, ज़्यादा है। और एथिलिन हार्मोन से क्वेश्चन पूछता है कि यह गैसीय हार्मोन है, क्या है, यानी गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है, और ये फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन एथिलिन हार्मोन है, समझ तो आ गया। और कृत्रिम रूप से फल पकाते कैसे, तो पकाते हैं एसिटिलिन से, एसिटिलिन गैस से पकाते हैं, जिसको एथाइन गैस भी बोलते हैं, समझ तो आ गया ना। तो पूछेगा दो गो, पूछा तो हम पांच को बता रहे हैं, जो तुम लोग को दो गो लिखना है लिख देना है, समझ तो आ गया। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगला इंपॉर्टेंट तुम लोग का है, बोल रहा है क्या, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, या आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है और कैसे होती है, बोल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है, आयोडीन युक्त नमक को के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है ना। तो लिखना है क्या, लिखना है कि एक तो हम लोग का ग्रंथी होता है थायराइड ग्रंथी, जो गलाम पाया था, कहाँ पाया था, गलाम पाया था, थायराइड ग्रंथी पाया था, जिसको बोलते हैं अपटू ग्रंथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपटू ग्रंथी भी बोलते हैं। तो लिखना है क्या, थायराइड ग्रंथी से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। तो लिखना है कि थायराइड ग्रंथी से थायरोक्सिन हार्मोन को, थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए, स्रावित करने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, आयोडीन आवश्यक होता है, जो हमारे शरीर को नियंत्रण करता है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाता है, आयोडीन की कमी हो जाता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, जिससे हमें घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग को ही बोलते हैं ग्वाइटर रोग, या इसी को बोलते हैं गलगंड रोग, क्या बोलते हैं। तो पूछेगा कि आयोडीन क्यों आवश्यक है, क्योंकि चूँकि आयोडीन की कमी से हमारे शरीर में घेंगा या गलगंड या ग्वाइटर रोग हो जाता है, इसलिए हम लोग के शरीर में इसलिए हम लोग के लिए आयोडीन आवश्यक है, समझ तो क्या, इतने लिखना है, समझ आ गया ना। क्या बोल रहा है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, यह बोल रहा है। तो लिखना है क्या, लिखना है कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, आयोडीन आवश्यक होता है। यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम मात्रा में बनता है, जिसके कारण हमें ग्वाइटर या घेंगा या गरगंड रोग हो जाती है, इसलिए हम लोग के लिए आयोडीन आवश्यक है, समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला जो इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा तुम लोग को बायोलॉजी पूरा अच्छा से पढ़ाएं डिटेल में, जो तुम लोग को अच्छा लगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन रहेगा, जो सबसे इजी लगे उससे बनाना है, समझ तुम लोग आ गया ना। तुम लोग शेयर थोड़ा कर दे, समझ आ गया, लाइक जो ना किया कर दे, ठीक है ना। चलो इसमें इम्पोर्टेंट पूछो कि कहाँ पर, तो इम्पोर्टेंट पूछा जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसमें पूछो परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है, ठीक है ना, ये बताना है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, परागण किसे कहते हैं, और स्वपरागण और परपरागण किसे कहते हैं, समझ तुम लोग आ गया। चल देखें आप, परागण किसे कहते हैं, परागण किसे, तुम लोग को पढ़ाए थे कि पौधे में जनन भाग कौन है, तो पुष्प है, पढ़ाए थे पौधे में जनन भाग कौन है, पुष्प है ना। तो परागण किसे कहते हैं पहले बता रहे हैं, तो पौधे में दो, पुष्प में दो भाग पाया जाता है, एक होता है नर भाग, एक होता है मादा भाग। नर भाग को बोलते हैं हम क्या, स्त्री केसर, क्या बोलते हैं, और बहुत सारा स्त्री केसर को एक साथ बोलते हैं जायांग, क्या बोलते हैं। और पौधे में जो पुरुष भाग होता है, जो नर भाग होता है, उसे बोलते हैं क्या,
पुंकेसर क्या बोलते हैं, अब बहुत सारा पुंकेसर को एक साथ बोलते हैं पुमंग, क्या बोलते हैं पुमंग, समझ तुम लोग आ गया। अब एक फूल में जो क्या होता है, फूल में होता है एगो स्त्री केसर, क्या होता है फूल तुम लोग देखेगा अलहुल के फूल देखना, अलहुल के फूल देखना, तो अलहुल के फूल जो रहेगा उसमें एगो लंबा सा ऐसे निकल रहता है और इसका मुड़िया पर ऐसे ऐसे रहता है तो लंबा सा ऐसे निकल रहेगा, ऐसे मुड़िया पर रहेगा, ठीक है ना। और इस प्रकार छोटा 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 बहुत निकल रहेगा, रहता है, देखा है तुम लोग ना, रहता है ना, समझ तुम लोग आ गया। तो जो लमका सा है, जो बड़का सा है, लमका सा सबसे मोटका, सबसे इससे बहुत पतला रहेगा ना, इससे बहुत पतला रहेगा, ऐसे से निकल रहेगा, रहता है ना, नहीं रहता है, इससे बहुत पतला रहता है ना। लेकिन जो मोटका सा है, जो सबसे लंबा है, वो है क्या, अस्त्री केसर, क्या है अस्त्री केसर है, क्या है अस्त्री केसर है, समझ तुम्हें कहा गया, यानी फूल का मादा भाग है, फूल का मादा, और इससे जो नज़र आ रहा है बहुत तेज जो नज़र आ रहा है, ठीक है ना, छोटा छोटा छोटा, ये सब क्या है, इससे सब क्या है, ये सब है पुंग केसर, क्या है पुंग केसर है, क्या है पुंग केसर। और तुम लोग देखना, जो तुम्हारा हाथा में पीला पीला या लाल लाल लग जाएगा छूने पर, वो किसमें रहता है, तो इसमें रहता है, इसमें नहीं रहता है, इसमें रहता है, किसमें रहता है, इसी में रहेगा, इसे छुएगा तो पीला पीला या लाल लाल लग जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं परागकण, क्या बोलते हैं, तो परागकण किसमें पाया जाता है, तो परागकण पाया जाता है पुंग केसर के पास, किसे पाया जाता है पुंग केसर के पास पाया जाता है। और अस्त्री केसर के जो जो ये भाग है ना, ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं, ये जो भाग है इसको बोलते हैं, जो लमका सा नजर आ रहा है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, ठीक है ना। और जो पराग पुंग केसर में जो ये भाग नजर आ रहा है ऊपरा में, इसको बोलते हैं पराग कोष, क्या बोलते हैं पराग कोष बोलते हैं, पराग कोष बोलते हैं। अब देख, अब यहाँ पर परागण किसे कहेंगे, परागण किसे कहेंगे, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि पुंग केसर, यहाँ बोलेंगे क्या, बोलेंगे पराग कोष से, पराग कोष, क्योंकि पराग जो कण होता है, पराग जो कण होता है वो कहाँ पाया जाता है, यहीं पाया जाता है, तो बोलेंगे पराग कोष से, पराग कोष से परागण का निकल कर, परागण का सॉरी पराग कोष से पराग कण का, पराग कण का, पराग कोष से पराग कण का निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुँचना, वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, समझ तो आ गया, परागण किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है, बोलना है पराग कण का, पराग कण का, प्राकोष से निकल कर, प्राकोष से निकल कर, परागकण का प्राकोष से निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुँचना, वर्तिकाग्र तक पहुँचना परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, परागण दो प्रकार का होता है, समझ तुम्हें कहा गया। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगा, तो हवा चलेगा उससे से पहुँच जाएगा, या कभी कभी हम लोग जाते हैं तो आप फूला कैसे छूते हैं तो हवा हाथों से लग जाएगा ना, लग जाएगा, या इस पर क्या बैठेगा, इस पर बैठेगा कीट, बैठेगा मधुमक्खी, बैठेगा भौरा, बैठेगा फटिंगा तंगा, बैठेगा तो यहाँ पर बैठेगा, फिर उछल के यहाँ पर जाएगा तो उसका परिवाम लग के यहाँ पहुँच जाएगा ना, पहुँच जाएगा। और जो जल में पौधा रहता है उसमें जल बहता है तो जल के माध्यम से पहुँच जाता है ना, समझ तुम लोग आ गया ना। चलो, तो पूछेगा आप क्या कि परागण कितने प्रकार का होता है, परागण दो प्रकार के होता है, एक को बोलते हैं स्वपरागण, एक को बोलते हैं परपरागण, एक को स्वपरागण, एक को परपरागण। और स्वपरागण किसे कहेंगे पता है, तो स्वपरागण हम उसको कहेंगे जिसमें एक ही पौधा, क्या वो एक ही पौधा के फूला में आदान प्रदान हो, यानी एक ही पौधा हो और उसी के फूला से, उसी के फूला से दूसरा फूला में वही पौधा वाला, दूसरा पौधा नहीं बोल रहे हैं, एक ही के पौधा, एक ही को, जैसे मान लो कि ये कोई पौधा है ना, ये मान लो यहाँ पर एक पौधा है जिसका फूल एगो यहाँ मान लो है, एक ठो फूल यहाँ पर है मान लो, एक ठो फूल यहाँ पर है ना, और यहाँ पर मान लो ये क्या है, ये है वर्तिकाग्र, और ये है क्या, ये मान लो क्या है, तो ये है पराग कोष, यानी ये पुरुष वाला भाग है, ठीक है ना। तो यहाँ से परागण निकल के कहाँ चल गया, वर्तिकाग्र में कहाँ चल गया, तो यही यह फूला में हुआ, यह फूला में हुआ, तो यह स्वपरागण क्या है, स्वपरागण क्या है, स्वपरागण यानी अपने में हुआ, कोई दूसरा पौधा, कोई दूसरा पौधा नहीं गया, यहाँ पर मान लो पौधा और बनाते इसका फूला यहाँ पर है, ठीक है, इसका फूला कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, तो लेकिन ये अपने पौधा का फूला में रह गया, ये स्वपरागण क्या है, या मान लो कि यहाँ से निकल के ये फूला के वर्तिकाग्र, फूला मान लो क्या है वर्तिकाग्र, क्या है, तो यहाँ से परागकण निकल के चल गया कहाँ पर, यहाँ चल गया, तो यह पौधा में रह गया, ये पौधा सा लग गया क्या, यह पौधा में रह गया, तब भी क्या है स्वपरागण, क्या है, तो एक ही पौधा में, एक ही पौधा के पुष्प के बीच, पुष्प के बीच होने वाले परागण को स्वपरागण कहा जाता है। अंतर लिखना है तो इसी तरह लिखना है, समझ आ गया ना, तो एक ही पौधा के पुष्प के बीच होने वाले परागण को स्वपरागण कहा जाता है। लेकिन यहाँ से पूरा, यहाँ से परागण उड़ा और दूसरे का पौधा के फूला में चल गया, तब परपरागण क्या हो गया, परपरागण यानी पराया में चल गया, चल गया ना, तो परपरागण समझ तो आ गया, तो परपरागण किसे कहेंगे, तो बोलेंगे एक पौधे से परागकण का निकल कर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना पर परागण कहलाता है, समझ तुम लोग आ गया। तुम लोग घर में मान लो कि लिया गमला लिया है और गुलाब के फूल लगा दिया, गुलाब के फूल लगा दिया, एक एक लगाया गुलाब के फूल, तो बताओ स्वपरागण होगा कि पर परागण होगा,
एगो तो गुलाबे फूल है तो स्व परागण नहीं होगा। हाँ बहुत सारा बगीचा में क्या होता है ज़्यादा क्या होता है बगीचा में ज़्यादा होता है पर परागण क्या होता है कि बगीचा में बहुत सारा फूल होता है ना, लेकिन तुम लोग घर में एगो होता है तो घर में होता है क्या स्व परागण क्या होता है और बगीचा उगीचा होता है पर परागण क्या होता है। अच्छा अच्छा कौन है स्व परागण अच्छा है कि पर परागण अच्छा है जल्दी बता। अच्छा कौन है अच्छा है पर परागण गा कह का घर में जो फूला लगाएगा देखना वो अच्छा तुम लोग को नहीं खिलेगा, लेकिन बगीचा वाला फूला देखना खड़ा खन खिलर रहता है ना, क्योंकि वहाँ पर हुआ है पर परागण, वहाँ पर क्या हुआ है पर परागण हुआ है, लेकिन जो घर में जो लगा दिए बचाला अकेले मुँह ताक रहा है तो कितना अच्छा होगा तो होता है खराब। क्या होता है उसका बीज भी खराब होता है उसका फूल भी उतना अच्छा नहीं खिल पाता, उसका फूल भी अच्छा उतना अच्छा नहीं खिल पाता, समझ तो लोग आ गया ना। लेकिन यही घर में पाँच छः को फूल लगा दिया है एक साथ तो देखना अच्छा फूल होगा होगा ना, क्योंकि वहाँ पर परागण होने की संभावना बढ़ जाता है, समझ तो लोग आ गया। तो बोलेगा स्व परागण में पर परागण में अंतर लिखो, तो क्या लिखना है लिखना है स्व परागण एक ही फूल एक ही पौधे के एक ही स्व परागण और पर परागण में अंतर, तो लिखना है स्व परागण एक ही पौधे के पुष्प के बीच होता है उसे स्व परागण कहते हैं। जब अपर परागण में क्या लिखना है पर परागण एक पौधे के पुष्प से परागण का दूसरे पौधे के पुष्प में पहुँचना पर परागण कहलाता है, पलांतरी हो गया। दूसरा अंतर क्या लिखना है लिखना है क्या लिखा है स्व परागण जो होता है स्व परागण में स्व परागण से उत्पन्न बीज अच्छा नहीं होता है, पर परागण से उत्पन्न बीज अच्छा होता है, स्व परागण से उत्पन्न फूल अच्छा नहीं होता है, पर परागण से उत्पन्न फूल अच्छा होता है, समय तो लुका गया। तो ये सब क्या हो गया अंतर, क्या हो गया अंतर, समय आ गया ना। अच्छा बता स्व परागण में परागण जल्दी नष्ट होगा ना, तो चौथी पहुँच गए यहाँ पर ना, लेकिन पर परागण में जरी मतलब नष्ट ज़्यादा होता है, परागण क्या होता है नष्ट ज़्यादा होता है, कोई रास्ते में गिर जाता है ना गिर जाता है, तो स्व परागण में परागण कम नष्ट होता है लेकिन पर परागण में परागण ज़्यादा नष्ट होता है, समझ लो कहा गया। चलो अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है। अगला अंतर है जनन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है। हम लोग जानते हैं कि जनन दो प्रकार का होता है, 12 नंबर में पहुँच जा। जनन दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं अलैंगिक जनन एक को बोलते हैं लैंगिक जनन, क्या बोलते हैं एक अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। अच्छा अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, तो अलैंगिक जनन उसको कहेंगे जहाँ पर देखिए आप जनन मतलब होता है क्या अपने जैसा संतान को उत्पन्न करना, गाय रहेगा तो गाय के जैसा संतान उत्पन्न करता है, बकरी तो बकरी जैसा संतान उत्पन्न करता है, अथी पुरुष है तो पुरुष जैसा संतान उत्पन्न करता करता है, पक्षी तो पक्षी जैसा संतान उत्पन्न करता करता है ना, तो अपने जैसा संतान का उत्पन्न करना क्या कहलाता है, कहलाता है क्या जनन कहलाता है, क्या कहलाता है जनन। और ये जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन समय तुमको आ गया। तो अलैंगिक जनन किसे कहेंगे, तो वैसा जनन जनन तो हो रहा है लेकिन उसमें मादा और नर जरूरी ना है, मादा और नर जरूरी तो बोलेंगे वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा का आवश्यकता नहीं होता है, नर एवं मादा का आवश्यकता नहीं होता है उस जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है, अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे तुम लोग पढ़ेगा क्या तो पढ़ेगा अमीबा, अमीबा में होता है विखंडन, क्या होता है अमीबा का शरीर कहीं से टूट जाएगा, जो टूट गया वो बोलेगा हमें एक नया अमीबा, जैसे हम लोग का हाथा टूट जाएगा तो बोलेगा कि हम एक नया आदमी बना लेबू ना बोलेगा, लेकिन अमीबा कहीं टूट जाएगा बोलेगा वो हमू नया अमीबा। तो अमीबा में होता है विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, विखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। फिर तुम लोग को पढ़ाए थे हाइड्रा, क्या पढ़ाए थे हाइड्रा में होता है और ईस्ट में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, पढ़ाए थे मुकुलन के द्वारा क्या होता है अलैंगिक जनन होता है, समय तुम लोग आ गया ना। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो बोलना है कि वैसा जनन जिसमें जनन के लिए नर एवं मादा भाग का जरूरत नहीं पड़ता है, नर एवं मादा का आवश्यकता नहीं पड़ता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, समय तुम लोग आ गया। पूछेगा लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो बोलना है क्या वैसा जनन जिसमें नर एवं मादा का आवश्यकता पड़ता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। सब फूल में बताए थे फूल में भी क्या था स्त्री कैसा पुंग कैसा नहीं था, तो नर मादा था ना, तो ये क्या था लैंगिक जनन क्या था। और अधिकांश जीव में जो विकसित जीव है जो बहुकोशिकीय जीव है उसमें क्या होता है उसमें लैंगिक जनन होता है, समय तुम लोग आ गया। चलो अगला अंतर देख, अगला जो है वो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। अब तुम लोग का क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पूछेगा तुम लोग बता कि अथी हार्मोन के बारे में क्वेश्चन पूछता है ना कि नर हार्मोन कौन है मादा हार्मोन कौन है, तो नर हार्मोन क्या है, तो नर हार्मोन तुम्हारा जो है वो है प्रोजेस्टेरोन, क्या है प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन बताए थे ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन ये है मादा हार्मोन, जो बोलना सुन ले ऑब्जेक्टिव में आ जाता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन ये क्या है, ये मादा हार्मोन क्या है। और नर हार्मोन क्या है, तो नर हार्मोन तुम लोग का है टेस्टोस्टेरोन और एक तो है एंड्रोजन ये नर हार्मोन है, नर हार्मोन एंड्रोजन बोलेंगे तो नर हार्मोन और एस्ट्रोजन बोलेंगे तो मादा हार्मोन, याद रखना ठीक है ना।
पूछते हैं अगला इम्पोर्टेंट कहाँ है। चलो अगला इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समजात अंग को परिभाषित करें, समजात अंग को परिभाषित करना है। समजात अंग किसे कहेंगे, समजात अंग किसे कहेंगे, यहाँ समझ क्या बोल रहे हैं, समझात अंग किसे कहेंगे, डायरेक्ट पूछेगा समझात अंग और विषम और समझात अंग में क्या अंतर है, ये पूछ सकता है, या पूछेगा समझात अंग किसे कहते हैं, या तुम लोग का एग्जाम्पल दे देगा कि हम लोग के हाथ ठीक है ना, बिल्ली के पैर ठीक है ना, और इसी तरह दे देगा क्या, मेढक के अग्र भाग, ठीक है ना, ये सब दे देगा, पूछेगा किसका उदाहरण है, पूछता है, ठीक है ना। तो समझात अंग किसे कहेंगे, तो बोलेंगे समझात अंग में हम उसको बोलेंगे वैसा अंग जो उत्पत्ति क्या बोल रहे हैं, जो उत्पत्ति एवं बनावट के दृष्टि से समान हो, उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से क्या हो, समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग करता हो, कार्य क्या करता हो, अलग अलग करता हो, उसे समझात अंग कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ तो क्या, उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से समान होगा, उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से समान होगा, लेकिन कार्य अलग अलग करेगा, ठीक है ना, वो कहता है समझात अंग, क्या कहलाता है, पूछेगा और समझात अंग किसे कहते हैं, तो बोलना है इसका उल्टा, बोलना है वैसा अंग, वैसा जो उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से अलग हो, उत्पत्ति में बनावट की दृष्टि से यानी समान नहीं हो, लेकिन कार्य समान करता है, कार्य क्या करता है, समान करता है, उसे वो समझात अंग कहा जाता है, समझ तो लोग आ गया ना, उसे बोलेगा हम लोग के बिल्ली का अग्रपाद, ये क्या है, समझात अंग, क्या है, समझात अंग, मतलब समझ रहा है, ये उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से समान है, उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से, लेकिन कार्य दोनों की करता है क्या, हम लोग का हाथ अलग काम कर रहा है, तो बिल्ली का जो हाथ वो अलग काम कर रहा है ना, जो अगुआ में अग्रपाद है वो अलग काम कर रहा है, ये समझात अंग है, समझात अंग है, यानी उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि दोनों समान है, लेकिन कार्य अलग अलग करता है, समझ तो लोग आ गया ना, उसी प्रकार पूछेगा क्या, पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख, ये दोनों भी समझात अंग है, यानी उत्पत्ति एवं बनावट की दृष्टि से देखेगा तो दोनों समान है, दोनों क्या है, लेकिन कार्य अलग अलग करेगा, ठीक है ना। चलो अगला, समझात और समझात समझ गए अरे, तुमने पूछा समझात में अंतर लिखो, लिख देगा ना, समझ तुम क्या है, समझात अंग किसे बोलते, तो बनावट और उत्पत्ति की दृष्टि समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग हो, तो समझात अंग और बनावट एवं उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो, लेकिन कार्य अलग अलग करे, तो उसे क्या करते हैं, समझात अंग, बताए थे ना, लेकिन बनावट एवं उत्पत्ति की दृष्टि समान नहीं हो और कार्य क्या करे, कार्य एक ही करे, तो उसे कहते हैं समझात अंग, क्या कहते हैं, जैसे तुम लोग को बताया था क्या, मनुष्य के अग्र हाथ और बिल्ली के अग्र पाद, ऐसे बताया था क्या, ऐसे समझात अंग है, क्या है, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, क्या है, समझात अंग है, लेकिन पक्षी के पंख और तितली का पंख देखेगा, दोनों का बनावट देखेगा, जब अंदर जाके देखेगा हड्डी उड्डी, तो दोनों क्या है, दोनों जो है क्या है, तो दोनों का जो है ना, ये क्या है, तो दोनों का देखेगा तो उत्पत्ति एवं दृष्टि से क्या, समान नहीं है, उत्पत्ति दृष्टि से समान नहीं है, उत्पत्ति दृष्टि से समझात समान नहीं है, समान नहीं है, लेकिन वो कार्य एक ही कर रहा है, उड़ने का क्या कर रहा है, ये क्या है, और समझात अंग, क्या है, तो याद रखना, तितली के पंख और पक्षी के पंख कैसा अंग है, वो समझात अंग, कैसा अंग है। चलो अगला इंपोर्टेंट देख लेते हैं और क्या, अगला पहुँच यहाँ पर, आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला हमारा पर्यावरण में आहार श्रृंखला क्या है, एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे, समझ लो क्या गया, तो आहार श्रृंखला क्या है, एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण देना है, समझ लो क्या गया ना, तो बोलना है आहार श्रृंखला क्या है, तो बोलना है क्या, पारिस्थितिक तंत्र समझ रहा है ना,
इको सिस्टम, इको पारिस्थितिक तंत्र में जैव अजैव दोनों आता है, सजीव और निर्जीव दोनों आता है, ठीक है ना। जो तुम्हारा वायु है, हवा है, पानी है, सब क्या है, निर्जीव क्या है, लेकिन आवश्यक है ना हम लोग के लिए। तो बोलेंगे क्या, पारिस्थितिक तंत्र में क्या बोलेंगे, पारिस्थितिक तंत्र के सभी जैव घटक, सभी जैव घटक मतलब समझ रहा है, सजीव जैव घटक मतलब सजीव, श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़ा होता है, दूसरे से जुड़ा होता है। इसी तंत्र को आहार श्रृंखला कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। क्या बोलना है, बोलना है पारिस्थितिक तंत्र के, पारिस्थितिक तंत्र के सभी जैव घटक, सभी जैव घटक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपस में जुड़ा होता है, श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपस में जुड़ा होता है, इसी श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। समझ तो लोग आ गया ना। अब बोलेगा इसका एक ठो स्थलीय श्रृंखला, बोल रहा है यहाँ पर एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दे, यानी स्थल पर पाया जाने वाला आहार श्रृंखला। तो क्या उदाहरण देना है, तो यहाँ लिख दे, क्या यहाँ लिख दे, पादप, क्या लिख दे, पादप यानी पेड़ पौधा, ये हो गया उत्पादक, क्या हो गया, उत्पादक हो गया, इसको खा लिया कौन, इसको खाने वाला, ये हो गया उत्पादक, क्या हो गया, उत्पादक, उत्पादक, इसको खाने वाला क्या हो जाएगा, जैसे खाने वाला हो जाएगा हिरण, क्या हो जाएगा, हिरण, हिरण हो गया ना। अब तुम बोलेगा हिरण नहीं लिखेंगे, हम ग्रास ऊपर लिखेंगे, तो ग्रास ऊपर भी लिख सकते हैं, समय तुम लोग आ रहा है ना। हिरण, तो हिरण खाया, हिरण को खा गया बाघ, क्या खा गया, बाघ, तो हिरण हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, क्या हो गया, पहले बार यह उपभोग किया, ये प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा बार उपभोग कौन किया, बाघा किया, तो ये द्वितीय उपभोक्ता, क्या हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, समझ तुम लोग आ गया, तो लिख दिए। तुम बोलेगा हम ही नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पादप, लिखेंगे ग्रास ऊपर, क्या लिखेंगे, ग्रास ऊपर यानी हरका फतिंगवा जो छरता है, ठीक है ना। ग्रास ऊपर को खा गया कौन, तो मेढक, कौन खा गया, मेढक, मेढक को खाने का खा गया सांप, और सांप को खा गया, अगर बाघ खाता सांप को, गिद्ध खाता, क्या खाता है, गिद्ध या गरुड़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गरुड़, गरुड़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिद्ध ना, गरुड़ जो है ना सांप को ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे मतलब जिंदा सांप पकड़ लेता है, पता है ना तुम लोग को, तो ई लिख दे या ई लिख दे, समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला, बोल रहा है क्या अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, वो बोल रहा है परितंत्र में अब घटकों की क्या भूमिका है, परितंत्र में अब घटकों की या अवघटक क्या है, जीव मंडल में अवघटक का महत्व बताएं, ठीक है ना। तो अवघटक क्या है, तो बताया था अवघटक क्या है, तो अवघटक बोलता है कि अवघटक क्या बोलता है, बोलता है अभी हम बहुत छोटा है, जो बहुत छोटा जितना भी सूक्ष्म जीव है, जीवाणु विषाणु कीटाणु सब, क्या अवघटक क्या है, अवघटक है, जैसे बोलता है अभी बहुत छोटा है, जो अभी तो केरो नहीं खा पा वो कहता, तो कहता अवघटक कहता है कि तो सब मर, इसको 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 सब कहता है मर, ठीक है ना। जैसे मरेगा ये सब क्या करेगा, जैसे मरेगा तो इस पर हमला कर देता है कौन, हमला कर देता है भटक, कौन करता है, भटक करता है, ठीक है ना। और फिर इसको सलाह गला कर क्या करेगा, इसको सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देगा, सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देगा, और फिर वो सरल कार्बनिक यौगिक क्या करेगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा, पर्यावरण में मिल जाएगा, पर्यावरण में मिल जाएगा, पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचा देता है, क्या होता है, बचा देता, अगर ऐसी फेंकर रहेगा तो क्या होगा, महत्वपूर्ण करेगा, सलाह गला क्या करेगा, मिट्टी में मिला देता है, समझ लो आया। तो बोलेगा, बोल रहा है यहाँ पर क्या, परितंत्र में अपघटक की क्या भूमिका है, परितंत्र में अपघटक की क्या, तो लिखना है क्या, अपघटक वे सूक्ष्म जीव है, अपघटक वे सूक्ष्म जीव है जो पेड़ पौधे या जीव जंतु के मृत शरीर पर, मृत शरीर पर क्रिया करके, क्रिया करके उससे जटिल कार्बनिक यौगिक से, उससे जटिल कार्बनिक यौगिक से, जटिल पहले होता है पता है ना, जटिल कार्बनिक यौगिक से सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देता है, सरल कार्बनिक यौगिक में बदल देता है, और उसे फिर पर्यावरण में और मिट्टी में मिला देता है, पर्यावरण में मिट्टी में मिला देता है, मिला देता है, ठीक है, बस यही लिखना है, इससे पर्यावरण प्रदूषण होने से बच जाता है और ये चक्र चलते रहता है। तो इस प्रकार परितंत्र में अपघटक का एक अहम भूमिका है, समझ तुम लोग आ गया, यही लिखना है। अगला बोल रहा है क्या, ओजोन क्या है तथा 12 नंबर, ओजोन क्या है तथा या किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, बोल रहा है ना। तो हम जानते हैं क्या ओजोन क्या है, तो समताप मंडल में पाए जाने वाले, समताप मंडल में पाए जाने वाले, समताप मंडल में पाए जाने वाले एक परत है, एक क्या है, परत है, जिसका अनुसूत्र O3 होता है, जिसका अनुसूत्र O3 होता है, बोल, तो लिखना है क्या, ओजोन क्या है, तो लिखना ओजोन समताप मंडल में पाए जाने वाला एक परत है जिसका अनुसूत्र O3 होता है, और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग क्या है, सूर्य से आने वाले पराबैंगनी हानिकारक किरण को, पराबैंगनी हानिकारक किरण को पृथ्वी से पर आने से रोकता है, पृथ्वी पर आने से रोकता है। पराबैंगनी हम लोग के लिए क्यों हानिकारक है, क्योंकि पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर पहुँच जाएगा तो उससे हो जाएगा हम लोग को कौन, त्वचा कैंसर, त्वचा कैंसर। तो क्या बोलेंगे, इसका उपयोग क्या है, यह सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से रोकता है और हमें त्वचा कैंसर से बचा लेता है, बचा लेता है, समझ तुम लोग आ गया।
तो ओजोन क्या है लिख दिया ना, और यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, प्रभावित करता है, समय तो कहा गया। तो लिखना है क्या, ओजोन क्या है, तो ओजोन सप्ताह मंडल में पाया जाने वाला एक परत जिसका जिसका अनुसूत्र O3 है। ये सूर्य से आने वाले परावर्तनीय किरण से हमें रक्षा प्रदान करती है, हमें रक्षा प्रदान करती है, समय तो कहा गया। अब बोल रहा है किस प्रकार हमें प्रभावित करती है, तो लिखना है क्या, ये हमें त्वचा कैंसर से बचा लेता है, त्वचा कैंसर से बचा लेता है, ठीक है ना। और बोलेगा कि इसका ये नष्ट कैसे होता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया लेकिन हम बता देते हैं। पूछेगा ओजोन परत का क्षय कैसे होता है, तो लिखना ओजोन परत के क्षय के लिए सबसे जिम्मेदार गैस जो है वो CFC है। क्या लिखना है, ओजोन परत के क्षय के लिए सबसे जिम्मेदार गैस जो है वो CFC है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है ना, जो फ्रिज से निकलता है, कहाँ निकलता है, लेकिन अब फ्रिज में इसका गैस प्रयोग करना बंद कर दिया, अब कहता है अमोनिया का यूज कैसा करता है, समय तो आ गया, लिख देगा। चलो अगला तुम लोग पूछेगा क्या, जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट 26 नंबर, जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट तथा ओजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ में अंतर लिखे, पदार्थ में जैव निम्नीकरणीय ओजैव निम्नीकरणीय तो लिख देगा ना। जैव निम्नीकरणीय तो समझ रहा है, जो पर्यावरण के लिए नुकसान ना हो, जो पर्यावरण में सड़गल के मिल जाए उसे बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय, क्या बोलते हैं, और जो पर्यावरण में सड़गल के नहीं मिले उसे बोलते हैं ओजैव निम्नीकरणीय, समझ तो लोग आ गया ना। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे अंतर दोनों में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे जैव निम्नीकरणीय ओजैव निम्नीकरणीय में निम्नलिखित अंतर होता है, ठीक है ना। जैव निम्नीकरणीय में क्या लिखना है, तो लिखना है वे अवशिष्ट पदार्थ, वे अवशिष्ट पदार्थ जिन्हें हानि रहित पदार्थ में तोड़ा जा सकता है, लिखना है कि वे पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, जो नुकसान नहीं पहुंचाता हो वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, और वे पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो उसे ओजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहा जाता है। फिर दूसरा अंतर लिखना है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ सल गर कर मिट्टी में मिल जाता है पर्यावरण में मिल जाता है, लेकिन ओजैव निम्नीकरणीय पदार्थ सल गर कर सलता गलता नहीं है और पर्यावरण में नहीं मिलता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, समझ में आ गया, यही दो अंतर लिखना, समझ आ गया ना। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में क्या आएगा, तो जो घर उल में जो छिलका उलका निकलता है सब क्या है, सल गर कर मिट्टी मिल जाता है, तो घर उल में जो छिलका उलका होता है क्या, जैव निम्नीकरणीय क्या है, लेकिन प्लास्टिक सलता गलता है तो प्लास्टिक को ओजैव निम्नीकरणीय है, समझ में आ गया ना। उसके बाद जब पेड़ पौधा सल गल जाएगा, पत्ती उत्ती गिलेगा तो क्या, जैव निम्नीकरणीय है, पत्ती उत्ती गिलेगा तो सल गल के मिट्टी में मिल जाएगा तो और मिट्टी को बढ़ा देता, शक्ति बढ़ा देता है ना। लेकिन घर से जो रबर वबर निकलता है वो क्या है, ओजैव निम्नीकरणीय, क्या है, कांच क्या है, तो ओजैव निम्नीकरणीय है, DDT क्या है, तो ओजैव निम्नीकरणीय है, समझ आ गया ना। जो सल गल के मिट्टी मिल जाएगा वो क्या है, जैव निम्नीकरणीय है, समझ तुमको आ गया ना। जीव जंतु जितना है सब क्या है, जैव निम्नीकरणीय, क्योंकि जीव जंतु भी सलगल के मिट्टी में मिल जाता है, पता है ना, चूहा हुआ तो उनके खेत में मरेगा तो सलगल के ओखले मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मरता है ना। चलो अगला बोल रहा है कि अगला इंपॉर्टेंट है, वन संरक्षण हेतु क्या कदम उठाया बस उठाना आवश्यक है, ये तो ऐसे ही लिख देगा ना, लिखेगा पूछेगा जल संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, क्या कदम उठाना चाहिए, या वन संरक्षण के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, तो ऐसे नहीं लिख देगा, नहीं लिख देगा, कैसे लिखेगा कि इसमें लिख देना है क्या क्या कदम उठाना चाहिए, तो लिखना है कि जंगलों को कम से कम कटाई करके, जंगलों को कम से कम कटाई करना चाहिए, ठीक है ना। चिपका दोनों बताया था तुम लोग को, जंगलों को कम से कम कटाई करना चाहिए, सूखा पेड़ को काटा जाना चाहिए, मतलब जिंदा जो पेड़ है उसको नहीं काटा जाना चाहिए, सूखा पेड़ को काटा जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद लिखना है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वनों को हम संरक्षण कर सकते हैं ना, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वन का संरक्षण कर सकते हैं, वृक्ष की कटाई को रोक कर हम वन का संरक्षण कर सकते हैं, ऐसा तो अपने लिख सकता है, दो तीन कारण नहीं लिख सकता है। पूछेगा जल को कैसे प्रदूषण होने से रोक सकते हैं, तो उसको भी दो तीन कारण अपने लिख सकता है, क्या लिख सकता है, पूछेगा क्या जल संरक्षण का कोई दो उपाय बताएं, तो क्या लिखना है, पहला लिखना है कि गंदी जल को नदी में हमें नहीं बहाना चाहिए, ठीक है ना, नदी नाला के जल को नदी में नहीं बहाना चाहिए, गंदे उंदे कपड़े को खुला पानी में नहीं धोना चाहिए, कल कारखाना से निकलने वाला गंदा जल को डायरेक्ट नदी में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि उसको शुद्ध करके नदी में बहाना चाहिए, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जल को प्रदूषण होने से रोक सकते हैं, कम से कम उर्वरक का प्रयोग करके जल प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, क्योंकि उर्वरक से बताया पानी नहीं मिल जाता है, मिलता है ना, तो ये सब लिख सकता है। चलो हो गया है, इसका हम दीर्घोत्तरीय भी करवा दिए ना, जितना मैं तुम लोग को बताया उतना तुम लोग को लिख के आना, यही रहा होमवर्क, ठीक है ना। इसका दीर्घोत्तरीय भी करवा दिए, कल से हम कराएंगे हिस्ट्री का, कैसा कराएंगे हिस्ट्री का, तुम लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर जो नहीं किया है, ठीक है ना।
खा देगा हम।